हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे होंगे एज यूजुअल, और मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे अ न्यू टॉपिक, इंड एएस 102, इंड एएस 102, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, सीए फाइनल, न्यू सिलेबस। ठीक, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर क्या हमने पहले कभी पढ़ाई की है? क्या शेयर बेस्ड पेमेंट्स पहले कभी हमने पढ़े हैं या हमारे कोर्स का पार्ट रहा है क्या? तो मैं आपको याद दिला दूं, सीए इंटरमीडिएट या सीए आईपीसीसी में ग्रुप टू के एडवांस अकाउंट्स में एक ईसॉप करके चैप्टर हुआ करता था। कौन सा चैप्टर? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। वो जो चैप्टर हुआ करता था वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ही हुआ करता था, बट हां, वहां सिर्फ ईसॉप का कवरेज था। ईसॉप और ईएसपीपी, एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान। तो ये कह सकते हैं कि हां, हमने पढ़ा तो है शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में, बट यूं कह सकते हैं कि हमने जस्ट वो 60% पोर्शन पढ़ा हुआ है। मैं 60% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो एम्प्लॉय वाला पार्ट है ना, ईसॉप वाला, वो अभी भी है। 50% बोलो, 60 भी नहीं, 50% वो वैसा का वैसा अभी भी है। पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हमें आईपीसीसी में नहीं पढ़ाई गई थी, पहली बात तो, और दूसरा जो इंड एएस में अलग से आया है। ठीक, शेयर बेस्ड पेमेंट्स के ऊपर इंड एएस के अलावा एक गाइडेंस नोट भी है, गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एक गाइडेंस नोट भी है शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर, एक गाइडेंस नोट भी है। मतलब ये कहने का मेरा कि हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बेसिकली ये एक तो इंड एएस 102 के थ्रू गवर्न हुआ, ठीक है ना, और हम तो 102 ही पढ़ेंगे, बट इसके अलावा गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं शेयर बेस्ड पेमेंट, ये भी है, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर नहीं है। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो, हम तो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो इंड एएस एप्लीकेबल है। बता सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि जो ये गाइडेंस नोट है ये कौन सी कंपनीज लगाएंगी, ये नॉन इंड एएस बेस्ड कंपनीज लगाएंगी जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे कोर्स में क्या है? इंड एएस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर ये बताओ कि कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में? यस, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। मतलब सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस में ये वाली चीज कवर है, गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट, सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में इंड एएस 102 कवर है। और डिफरेंस एक्चुअली है। आपको जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो डिफरेंट तो है, पूरा डिफरेंट नहीं है, यूं कह सकते हैं कि 20-25% पोर्शन एक्स्ट्रा है। सर कवरेज कहां से रहेगा? बेटा इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस का कवरेज बेसिकली रहेगा, इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस एडिशनली, तीन चार क्वेश्चंस मैंने अपने भी ढाले हैं जो ओल्ड सिलेबस में हैं। अपने मतलब कोई अपने नहीं है, मतलब जो ओल्ड सिलेबस को पढ़ाए जाते हैं और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ओल्ड सिलेबस के, तो उनको भी हमने कवर किया है इंड एएस 102 के बेसिस पर, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आईपीसीसी में जो ईसॉप हमने किया है वहां से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। हमने आईपीसीसी में ईसॉप करके पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक स्कीम ग्रांट करती है, ऑप्शन देती है, और ऑप्शन में यह बोला जाता है कि अगर एम्प्लॉयज कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करेंगे
कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे तो हम उनको शेयर्स देंगे, अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में तो हम उनको शेयर्स इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी कंडीशंस फुलफिल कर ली, दैट मींस उन्होंने हमें सर्विस दिया, उन्होंने हमें सर्विस दिया। जनरली वो कंडीशन कौन सी हुआ करती थी हमारे 90% क्वेश्चंस में, 90 नहीं तो 80% क्वेश्चंस में कंडीशन होती थी कि 3 साल तक कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, या 2.5 साल तक कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, या 4 साल तक कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट। उसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? सर्विस कंडीशन, ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन। सो मैं ईसॉप की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं ईसॉप की बात कर रहा हूं। तो हमने जो ईसॉप पढ़ा हुआ है आईपीसीसी में, ठीक है ना, उसमें बेसिकली ये था कि एक सर्विस कंडीशन हुआ करती थी, सर्विस कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे और सर्विस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हमें शेयर मिलेंगे। शेयर कौन देगा? कंपनी। हम जो अकाउंटिंग समझते थे वो गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग समझते थे और वो कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग हुआ करती थी। आज भी ऐसा ही होगा, अकाउंटिंग हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे क्योंकि वो शेयर दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट है। ये क्या है? ये एक शेयर बेस्ड पेमेंट है, ईसॉप। सर क्यों? एम्प्लॉई ने अपने कंपनी को क्या दिया? सर्विस दिया। तो कंपनी उसके बदले क्या देगी? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन सर, उनको सैलरी वगैरह तो मिल रहा है ना बेटा? सैलरी तो उनको वैसे भी मिल रहा है, पर उनको एडिशनल कंसीडरेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको हमने कुछ कंडीशंस बोली थी, वो कंडीशंस उन्होंने फुलफिल की है। तो इसके लिए जो कंपनी उनको कंसीडरेशन दे रही है, दैट कंसीडरेशन इज बेस्ड ऑन द शेयर, दैट कंसीडरेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन शेयर। कंडीशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन शेयर मींस मतलब कंपनी अपना शेयर इशू करके एम्प्लॉई को दे रही है, कंपनी अपना शेयर इशू करके एम्प्लॉई को दे रही है, एम्प्लॉई को दे रही है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? कंपनी अपना शेयर इशू करके एम्प्लॉई को दे रही है। कंपनी चाहे तो कैश में भी कंसीडरेशन दे सकती है, पर कंपनी ने वो कंसीडरेशन शेयर के रूप में दिया तो हम उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। कंपनी ने जो एम्प्लॉई को पेमेंट किया शेयर के फॉर्म में, वो एक शेयर के मतलब वो जो पेमेंट है वो शेयर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअली में गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट क्या कवर करता है? गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट कवर करता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज। ये जो गाइडेंस नोट है, ये गाइडेंस नोट बोलता है कि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट्स करेगी तो कैसे किया जाएगा, वो उसकी गाइडेंस, उसकी अकाउंटिंग इस गाइडेंस नोट में बताई गई है, जो कि आपको आईपीसीसी में समझाया भी गया था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंड एज, व्हेन वी टॉक अबाउट इंड एज 102, सो इंड एज 102 में हम बात करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज। ये एक बड़ा डिफरेंस है इंड एज 102 और एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट का। मतलब ये कि शेयर बेस्ड पेमेंट जो 102 का है ना, वो ये कहता है सिर्फ एम्प्लॉइज ही क्यों, हो सकता है कंपनी अपने किसी सप्लायर को पेमेंट कर रही हो, अपने किसी सप्लायर को शेयर पेमेंट, शेयर इश्यू कर रही हो, या पेमेंट का बेसिस कंपनी के शेयर के हिसाब से है। पेमेंट जो भी किया जाएगा वो शेयर के प्राइसेस के को बेस रखते हुए किया जाएगा। कंपनी मशीन परचेस कर रही है, असेट परचेस कर रही है, हो सकता है पेमेंट वो शेयर्स इश्यू करके कर रही हो, या फिर वो पेमेंट शेयर के बेसिस पे कर रही हो। शेयर का बेसिस का मतलब होता है या तो मैं शेयर इशू करूंगा या तो जो मैं प्राइस पे करूंगा वो कहीं ना कहीं मैं अपने शेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा, वो प्राइस मेरे शेयर्स के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब वो जो प्राइस डिसाइड होगा वो मेरे शेयर्स के बेसिस पर प्राइस डिसाइड किया जाएगा। सो 102 टॉक्स अबाउट व्हेन द एंटिटी इज मेकिंग पेमेंट्स
बेस्ड ऑन शेयर बेस्ड मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट्स नॉट ओनली टू द एम्प्लॉइज एज वेल एज टू द एक्सटर्नल पार्टीज एज वेल एज टू द एक्सटर्नल पार्टीज. सर एक्सटर्नल पार्टीज में कौन कौन आएंगे? एक्सटर्नल पार्टीज में सर सप्लायर आ सकते हैं. एक्सटर्नल पार्टीज में सर आपके सप्लायर के अलावा वेंडर्स आ सकते हैं. वेंडर्स एक्सटर्नल पार्टी में आपके कंसल्टेंट्स आ सकते हैं. कंसल्टेंट्स फॉर देयर सर्विसेस और सप्लायर्स आ सकते हैं फॉर गुड्स, है ना. वेंडर्स आ सकते हैं गुड्स और सर्विसेस वॉट एवर. सो टेक्निकली एक्सटर्नल पार्टीज में सब कुछ आएंगे, सारे पार्टीज. एक्सटर्नल पार्टी में क्या नहीं आते? एक्सटर्नल पार्टीज डू नॉट इंक्लूड्स. मतलब सर क्या बोले? मैंने क्या बोला? इंड एज 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट टू इंप्लॉइज एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज. एक्सटर्नल पार्टीज में सारे लोग एक्सेप्ट जो नहीं आते. कौन? शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. क्यों सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्यों? अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर इश्यू कर रही है, शेयर होल्डर्स को शेयर इश्यू कर रही है शेयर होल्डर कैपेसिटी में. सर क्या बोले? इंफोसिस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इश्यू कर रही है, फ्री में पेमेंट कर रही है, फ्री में शेयर इश्यू कर रही है. इंफोसिस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट इश्यू दे रही है. हाँ सर, ये भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट तो है, बट ये किसको दे रही है? शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर की कैपेसिटी में दे रही है कि वो कंसल्टेंट वेंडर सप्लायर की कैटेगरी में रखे की कैपेसिटी में दे रही है? नहीं सर, वो तो उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो उनको शेयर होल्डर की कैपेसिटी में मिल रहा है. हाँ, तो ये पेमेंट्स कवर नहीं होते शेयर बेस्ड पेमेंट्स में. ठीक है, अच्छा सर. सर और कौन नहीं आएंगे? और कौन नहीं आएंगे? अक्वायरी कंपनी अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है दो कंपनीज होती हैं, अक्वायरर अक्वायरी. एक्विजिशन मेथड चलता है. अक्वायरर क्या करता है? नेट असेट्स टेक ओवर करता है, रिकॉग्नाइज करता है, गुडविल रिकॉग्नाइज करता है, एनसीआई रिकॉग्नाइज करता है, याद है कि नहीं? तो वो अक्वायरी को क्या देता है? परचेज कंसिडरेशन देता है. परचेज कंसिडरेशन किस रूप में देता है? शेयर्स के रूप में देता है. तो वो भी तो शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ. हाँ हुआ, बट वो जो शेयर बेस्ड पेमेंट है, वो शेयर बेस्ड पेमेंट अगर अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन किया जा रहा है तो उसकी अकाउंटिंग सेपरेटली हमने 103 में पड़ी हुई है. बल्कि जब हमने 103 पढ़ा था तो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर, मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला रहा हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था, अगर एक्वायरी कंपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन होने से पहले, अमेलगमेशन होने से पहले, बिजनेस टेकओवर होने से पहले अक्वायरी कंपनी ने कोई शेयर बेस्ड पेमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए अनाउंस किया था, अब अक्वायरर आके उस कंपनी को टेकओवर कर रहा है, तो नाउ अक्वायरर की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए नया शेयर बेस्ड पेमेंट. सॉरी, मैं थोड़ा सा हल्का सा, मैं फिर से इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूं, शायद मैं थोड़ा सा उलझा दिया मैंने आपको. अगर अक्वायरी कंपनी ने अपने इंप्लॉइज के लिए, मैंने शेयर होल्डर्स बोल दिया गलती से, अगर अक्वायरी कंपनी ने पहले से ही अपने इंप्लॉइज के लिए कुछ साल पहले से ही शेयर बेस्ड पेमेंट अनाउंस किए हुए हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना, मैंने पढ़ाया था. तो अगर अक्वायरी कंपनी ने अपने इंप्लॉइज, एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज के लिए पहले से ही शेयर बेस्ड पेमेंट अनाउंस कर दिया है, दो तीन सालों से उसकी अकाउंटिंग करती आ रही है, बट अचानक से अक्वायर कंपनी अक्वायरी को टेक ओवर कर रहा है, अब वो तो कंपनी बंद हो जाएगी. ठीक है, तो अक्वायरर, अगर अक्वायरर की जिम्मेदारी है कि वो अक्वायरी के एम्प्लॉइज के लिए नया शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च करे, और उसकी अकाउंटिंग भी हमने 103 के अकॉर्डिंग समझी थी, अगर आपको याद हो, कि वो अगर नया शेयर बेस्ड पेमेंट लॉन्च करेगा तो उसमें कितना एक्सपेंस का कितना पार्ट परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा और कितना पार्ट परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा. पीसी में हम शामिल करते थे उसको, याद करो, कंसिडरेशन का पार्ट होता था वो चीज.
तो वो चीज आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी अगर आप मेरा ये लेक्चर YouTube पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये लेक्चर YouTube पे भी डालूंगा। तो अगर आप ये मेरा लेक्चर YouTube पे देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों ने जहां से भी जिस टीचर से भी पढ़ा होगा 103, तो वो समझ गया होगा कि मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने मुझसे ही पढ़ा है तो हमने वो 103 में ऑलरेडी कवर की थी, और बेटा वो चीज इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। वो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट वाला पॉइंट है ना, रियली बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये शेयर बेस्ड पेमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आप प्लीज मेरी वो वाली क्लास को भी फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए सुन लीजिएगा। वो वाला जो क्लास का जो पर्टिकुलर उधर मैंने जो शेयर बेस्ड पेमेंट वाला टॉपिक करवाया था, हार्डली वो आधे घंटे का था, आधे पौन घंटे का पार्ट था, तो वो जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। Anyways, तो external parties do not include existing shareholders and acquiring company under business combination. यह तो समझ में आ गया, मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कि पिछला वाला गाइडेंस नोट सिर्फ एम्प्लॉइज को शेयर बेस पेमेंट कवर करता था, जबकि ये वाला Ind AS 102 शेयर बेस पेमेंट सारे कवर करता है, चाहे हम वो एम्प्लॉइज को करें, चाहे वो एक्सटर्नल पार्टीज को करें, ठीक है ना। सप्लायर से हम क्या परचेस करते हैं, गुड्स। तो जब हम गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे वो हमें समझनी है। जब हम असेट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। जब हम कोई सर्विस आपसे लेंगे, सर सर्विस आपसे लेंगे मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल जय चावला ने टाटा मोटर्स को फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विस दिया, एक साल के लिए, अगेंस्ट विच टाटा मोटर्स जय चावला टाटा मोटर्स का ऑडिटर नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई कंपनी लॉ से, कंपनी ऑडिट से कोई रेगुलेशंस ब्रेक नहीं कर रहा हूं, मतलब नॉर्मली जय चावला चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो टाटा मोटर्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले टाटा मोटर्स अपने कंसल्टेंट को जो पेमेंट करेगी वो शेयर के बेसिस पर करेगी, जय चावला को वो शेयर इशू करेगी। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ। इसकी अकाउंटिंग टाटा मोटर्स को कैसे करनी चाहिए, 102 बताएगा। टाटा मोटर्स ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है तो 102 अप्लाई होगा, मतलब इंडियंस अप्लाई होंगे। ओके, तो हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, आज की, क्योंकि पहली क्लास है तो पहली क्लास में आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि अगर शेयर बेस्ड पेमेंट टू इंप्लॉइज होगा तो क्या क्या आएगा, और तो आपको उस टाइम पे रिकॉल आना चाहिए कि हाँ हमने आईपीसीसी में ये चीज पढ़ी हुई है। और जब मैं आपको बताऊंगा शेयर बेस्ड पेमेंट टू एक्सटर्नल पार्टीज होगा तो अकाउंटिंग किस हिसाब से करते हैं। मैं आज पहला दिन है, मतलब ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में मैं हार्डकोर चीजें बहुत कम करवाऊंगा, मैं बहुत ही बेसिक चीजें करवाऊंगा, ताकि मैं आपका टचअप हर चीज से करवा लूं कि हम पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हर चीज का अपन एकाध क्वेश्चन करेंगे, हायर लेवल वाली चीजों को छोड़कर, कि बेसिक समझ में आ जाए कि इंप्लॉइज और एक्सटर्नल पार्टीज में अकाउंटिंग क्या क्या होगी, ठीक है। चलिए बेटा, सो नाउ मैं एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूं, और मेरे साथ वो चार्ट जरूर बनाइएगा। ये पूरा Ind AS फेयर वैल्यूएशन अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। सर फेयर वैल्यूएशन अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, मतलब जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, फेयर वैल्यूएशन FVTPL FVTOCI, थोड़ा बहुत अमोर्टाइज कॉस्ट की बात करता है, बाकी वो बोलता है भाई फेयर वैल्यू करो पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इवन वो बोलता है इनिशियल रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यूएशन करो। वैसे ही Ind AS 102 की भी पूरी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। Ind AS 102 की अकाउंटिंग फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। जो पुराना वाला गाइडेंस नोट है जो हमने आईपीसी में पढ़ा है, वो बल्कि बोलता है या तो आप फेयर वैल्यू यूज करो या तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करो। आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस, सभी बच्चों ने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा हो सभी बच्चों ने पढ़ा, ठीक है। सो शेयर बेस्ड पेमेंट्स, पेमेंट्स टू इंप्लॉइज, शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू इंप्लॉइज, और दूसरा टू
एक्सटर्नल पार्टीज। एग्जाम्पल लिख सकते हो सप्लायर्स, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब कंसल्टेंट्स। ठीक है, अब जब हम शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज देखेंगे तो उसमें तीन चीजें होंगी, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। इक्विटी सेटल्ड, सर ये इक्विटी सेटल्ड मतलब पेमेंट जब मैं करूंगा तो आपको शेयर इशू करूंगा, इक्विटी शेयर इशू करूंगा। इक्विटी सेटल्ड जो मैं पेमेंट करूंगा दैट विल बी सेटल्ड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी विल इशू शेयर्स। एंटिटी विल इशू शेयर्स। अच्छा, दूसरे होंगे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड मतलब सेटलमेंट तो कैश में होगा, पेमेंट जो होगा वो कैश होगा, बट वो जो कैश का पेमेंट हुआ है उसका बेसिस भी शेयर के प्राइसेस के ऊपर ही होगा, तो इसलिए लिखा है शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है ना, एक्चुअल पेमेंट इन कैश है वो शेयर बेस्ड पेमेंट, पर पेमेंट इन कैश। ठीक है, उसके बाद इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब ये इन दोनों का मिक्स। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाएगा, क्या चाहिए भाई तेरे को, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को शेयर चाहिए कि तेरे को कैश चाहिए। ठीक है ना, तेरे को कैश चाहिए कि शेयर चाहिए। पेमेंट मे बी इन इक्विटी शेयर्स और कैश। ठीक है, अच्छा क्लियर क्लियर बेटा, तो ये तीन चीजें होती हैं, हम ये तीनों कवर करने वाले। अच्छा यहां पढ़ लेते हैं, टू एक्सटर्नल पार्टीज। ये जो टू एक्सटर्नल पार्टीज है ना, इसको भी हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट्स अगेंस्ट गुड्स और असेट्स अक्वायर्ड। हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किया या फिर हमने असेट्स परचेज किया और हमने उसको पेमेंट किया, शेयर शेयर इश्यू कर दिया या फिर शेयर के बेसिस पर पेमेंट किया। और दूसरा, शेयर बेस्ड पेमेंट्स अगेंस्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हमें ये सबका समझना है, एवरीथिंग, हमें ये सबका समझना है। ठीक है, क्लियर बेटा। क्लियर गाइस, ओके। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं, आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं एक्सटर्नल पार्टीज में क्या होगा। एक्सटर्नल पार्टीज में क्या होगा, पहले हम ये बात कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है ना, छोटा मोटा ऊपर ऊपर से एक्सटर्नल पार्टीज में क्या क्या होगा हम उस चीज की बात कर रहे हैं, फिर अपन आएंगे एम्प्लॉइज में। ठीक है ना, मैंने बोला ना आज की क्लास में मैं बातें सब सबके लिए करूंगा,
बट ऊपर ऊपर से, मतलब हम मेन मेन लॉजिक्स कंप्लीट करेंगे, हायर लेवल पे नहीं जाएंगे। बेटा इंड एस 102 बोलता है कि जब आप कोई गुड्स परचेज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जब आप असेट्स परचेज कर रहे हो, असेट्स एक्वायर कर रहे हो, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो टेक्निकली ये ट्रांजैक्शन, अगर आप असेट परचेज कर रहे हो, तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो ये ट्रांजैक्शन कवर होगा जाके आपका इंड एस 16 में। अगर आपने गुड्स परचेज किया है, इन्वेंट्री, तो ये ट्रांजैक्शन आपका कवर होगा इंड एस 2 में। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, बट इन्वेंट्रीज को वो तो बैलेंस शीट वैल्यू पे, बैलेंस शीट टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। सो टेक्निकली जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, असेट परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी तो परचेज कर सकते हो ना, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, तो आप गुड्स परचेज किए, एसेट परचेज किए, उसके बदले आपने शेयर दे दिया, शेयर इशू किया, अगर आपने उसके बदले शेयर इशू किया, तो उसकी अकाउंटिंग इनिशियल रिकॉग्निशन अब इंड एस 102 बताएगा। अब इंड एस 102 बताएगा। वैसे तो सोचो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने इंड एस 16 पढ़ा था, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन का फंडा क्या बोलता है, कॉस्ट मॉडल। मतलब जब भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, तो किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे। अब उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका एक्सेप्शन ये है कि इंड एस 102 बोलता है अगर आपने कोई एसेट परचेज की है और उसका पेमेंट आपने शेयर्स में दिया है, उसका पेमेंट आपने शेयर्स में दिया है, उसका पेमेंट आपने शेयर्स में दिया है, सो टेक्निकली अगर आप उसका पेमेंट शेयर्स में दे रहे हो, तो आपको वो ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। कौन सी वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे। याद करो इंड एस 16 में भी था एक्सचेंज ऑफ पीपी, हम जब पीपी एक्वायर करते हैं बाय वे ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें था फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड, याद है, याद है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन, अगर रिलायबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, याद है कि नहीं, या तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन। अब यहां पर क्या है, असेट गिवन कुछ है ही नहीं, यहां तो शेयर दे रहा हूं मैं, यहां पर असेट तो टेक ओवर कर रहा हूं, पर दे क्या रहा हूं, शेयर दे रहा हूं, यहां पर मैं शेयर दे रहा हूं, यहां पे मैं शेयर दे रहा हूं, असेट नहीं दे रहा हूं। सो मिला जुला ही है, इंड एस 16 भी बोलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, और ये भी बोलता है कि जब भी आप गुड्स परचेस करोगे, असेट परचेस करोगे, और अगर आप उसका पेमेंट शेयर के फॉर्म में करोगे, तो आपको असेट और गुड्स को इनिशियली रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू की, फेयर वैल्यू पर। किसकी फेयर वैल्यू, शेयर की फेयर वैल्यू की गुड्स एंड असेट्स की फेयर वैल्यू, फर्स्ट प्रायोरिटी गुड्स एंड असेट्स की फेयर वैल्यू, मतलब जो चीज हमें आ रही है, टेक ओवर हो रही है, जो चीज हम एक्वायर कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू। अब आपको यहां पर रटना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इंड एस 16 में भी हमने यही पढ़ा था कि जब हम एक्सचेंज करते हैं पीपीई को, और जब हम टेक ओवर करते हैं जो कोई चीज, उसकी फेयर वैल्यू सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ली जाती है। हमने ये चीज इंड एस 38 इंटेंजिबल असेट्स में भी पढ़ी हुई है कि जब भी हम इंटेंजिबल असेट्स एक्वायर करेंगे एक्सचेंज में, तो जो इंटेंजिबल हमने एक्वायर किया है उसकी फेयर वैल्यू सबसे पहले देखी जाएगी। तो यहां पर भी वो बोल रहा है कि रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, गुड्स एंड असेट्स शैल बी initially recognized at fair value of such goods and assets, उन goods और assets की fair value पे record करेंगे। example दूं, example purchased रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर, पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 नंबर्स, फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, फेयर वैल्यू पर शेयर 480 रुपए, कंपनी ने गुड्स परचेस किए,
कंपनी ने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करके शेयर इशू कर दिया, मार्केट में गुड्स का फेयर वैल्यू कितना है? 5 लाख। सर फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू इंडेस 113, फेयर वैल्यू मतलब इंडेस 113। बेटा इंडेस 113 याद है आपको? इंडेस 113 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंडेस 113 को जस्ट इससे पहले ही हमने इंडेस 113 कंप्लीट किया है, इंडेस 113 हमने जस्ट पहले ही कंप्लीट किया है, इससे पहले कंप्लीट किया है। सो फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या होता है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट मतलब जो ऐसा प्राइस जब हम असेट को बेचेंगे तो हमें कितना रिसीव होना चाहिए, या फिर अगर हम किसी लायबिलिटी को सेटल करेंगे तो हमें कितना पे करना चाहिए इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो उस फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो अगर मैं आज असेट खरीदता, अगर मैं आज ये असेट पर्टिकुलर खरीदता और मैं कितना पे करता, मैं 5 लाख रुपीस का पेमेंट करता टेक्निकली, तो मेरा गुड्स का फेयर वैल्यू है 5 लाख। अच्छा जो शेयर इशू कर रहा हूं उसका फेयर वैल्यू क्या है? उसका 480 रुपए पर शेयर का वैल्यू है। हमें गुड्स की एंट्री, हमने रिकॉर्डिंग एंट्री किस वैल्यू पे करनी चाहिए, हमें कौन सी फेयर वैल्यू प्रायोरिटी पे लेनी है? हमें हमेशा जो गुड्स और सर्विसेज हमें मिले हैं, मतलब जो गुड्स मिले हैं, सर्विस छोड़ो अभी मैंने सर्विस अलग कर दिया है, जो गुड्स हमें मिले हैं वो गुड्स की फेयर वैल्यू को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। बट अगर गुड्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है मार्केट में, किसी कारण से गुड्स की फेयर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, फॉर एग्जाम्पल उन जिन गुड्स को मैंने परचेज किया है वो कस्टमाइज्ड गुड्स हैं, उनका कोई मार्केट ही नहीं है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आज से पहले हुआ ही नहीं है, तो उसको निकाला जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि शेयर की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है क्योंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर हम शेयर की वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करेंगे, बट वो सेकंड प्रायोरिटी। फिलहाल इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारा वो खर्चा है, एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख रुपीज। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितने इशू किए हैं? 1000। अच्छा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10,000। फिर आ जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,90,000। सर 480 में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम चलाएगा 490 पे। सर अगर फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो तो फिर क्या एंट्री होती? फिर एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट, छोड़ दो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो 10,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 4,70,000। क्योंकि टेक्निकली आज शेयर की वैल्यू कितनी है? 480, तो 480 इंटू 1000 कितना होगा? 480 इंटू 1000 480,000। करके देखूं भाई कुछ और तो नहीं आ रहा है, 1000 इंटू 480, 480,000, तो 470 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये 480 पे रिकॉर्ड हुआ, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पे रिकॉर्ड हुआ। तो टेक्निकली देखो दोनों में फर्क क्या हुआ, शेयर बेस्ड पेमेंट जब मैं कर रहा हूं तो यहां पर परचेज दिख रहा है 5 लाख का और यहां परचेज दिख रहा है 480 का, उसका सेकंड इफेक्ट कहां जा रहा है? यहां सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से बढ़ गया, रिजर्व फायदा हो गया, ठीक है ना, फायदा हो गया, और यहां सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से नहीं बढ़ा, ठीक है, गाइस क्लियर। सो दिस इज शेयर बेस्ड पेमेंट अगेंस्ट गुड्स और असेट्स अक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, अगर गुड्स और असेट्स अक्वायर कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट होगा, उसका जो पेमेंट होगा अगर वो हम शेयर के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं तो उसका रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? रिकॉग्निशन करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट्स अक्वायर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ सच फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल, इवन इंडेस 113 फेयर वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम फिर जो शेयर इशू करेंगे उसकी फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पर हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आई मेरी बात समझ में बेटा? भाई ये दो ही है बस, इसके अलावा तीसरा केस नहीं बनेगा कि अगर मान लो शेयर की भी फेयर वैल्यू नहीं है तो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शेयर की फेयर वैल्यू तो फिर होना ही होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर हुआ। पहले इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आइए मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं बेसिक, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है और अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर वन स्टडी मटेरियल में ये इलस्ट्रेशन नंबर फोर करके है। सो करके देखते हैं, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल दिया, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर हम एक्सटर्नल पार्टीज को शेयर बेस पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स और असेट्स की बात कर रहे हैं। गुड्स और असेट्स के हमने अलग इसलिए किया, सर्विस से इसलिए अलग किया क्योंकि सर्विस कभी कभार क्या होता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे सर्विस होती है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, गुड्स की, गुड्स एंड असेट्स की। गुड्स एंड असेट्स को अगर हम एक्वायर करते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स। सर फेयर वैल्यू किस दिन की ली जाएगी, सर फेयर वैल्यू किस दिन की ली जाएगी, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ एक्वायर करने का, क्या जिस दिन आपको रियली में एक्विजिशन मिला, बेटा जिस दिन एक्विजिशन मुझे रियली में मिला मतलब जिस दिन मुझे ओनरशिप मिला। टेक्निकली ये गुड्स क्या है, ये गुड्स किसी ना किसी स्टैंडर्ड में कवर हो रहे होंगे या असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर हो रहा होगा। तो जिस टाइम पे मुझे इनिशियल रिकॉग्निशन करना है, जिस टाइम पे मुझे इनिशियल रिकॉग्निशन करना चाहिए, मतलब जब एक्चुअली मुझे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बेसिक मीनिंग, तो जिस टाइम पे मुझे, जिस डेट पे मुझे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं उस दिन का फेयर वैल्यू देखना है, ध्यान रखिएगा उस दिन का फेयर वैल्यू देखना है। और अगर मुझे फेयर वैल्यू उस दिन का चीज नहीं है पता तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स उस दिन का देख सकता हूं। अच्छा एक एग्जांपल क्वेश्चन करने से पहले, इंडेक्स 102 मान के चलता है, रिबटेबल प्रेजम्पशन मान के चलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेडिली अवेलेबल होगी हमारे पास मार्केट की। Ind AS 102 मान के चलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रेडिली अवेलेबल, मतलब इट कैन बी पिक्ड फ्रॉम द मार्केट, ऐसा मतलब जो ट्रांजेक्शन आपने किया है गुड्स एंड सर्विस का, ऐसा नॉर्मल ट्रांजेक्शन मार्केट में होता रहता होगा और आप उसी की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। और सही भी तो है, गलत क्या है, जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज करने गए, आपकी जब डीलिंग हुई तो सबसे पहले आपने सामने वाले डीलर को यह नहीं बताया कि मैं पेमेंट शेयर में करूंगा, आप तो सबसे पहले नेगोशिएशन करोगे गुड्स का प्राइस को लेकर। आपने एक बार गुड्स का प्राइस को लेकर नेगोशिएट करना फाइनल कर दिया, आपका गुड्स बीच में फाइनल हो गया कि हाँ हम इतने में खरीदेंगे आप इतने में बेचोगे, फिर हमने उसको चुपके से बोल दिया सुन हम तेरे को ना शेयर देंगे। उसने बोला अच्छा शेयर दोगे, हम तेरे को ना हमारी कंपनी का शेयर देंगे। अच्छा शेयर दोगे तो लिस्टेड कंपनी है तुम्हारी, हाँ लिस्टेड कंपनी है, चलो ठीक है शेयर दे देना। तो इसका मतलब शेयर तो बाद में आया, कंसीडरेशन तो बाद में डिसाइड हुआ, पहले क्या डिसाइड हुआ, पहले तो उसी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस डिसाइड हुआ ना बेटा, ठीक है ना। हो सकता है हमने कोटेशन लिया हो तो कोटेशन में तो उसने हमें पहले से ही प्राइस दे दिया होगा, उसमें नेगोशिएट किया होगा तो फेयर वैल्यू ऑलरेडी तय हो चुकी होगी। तो ये रिबटेबल प्रेजम्पशन है इंडेक्स 102 का कि गुड्स एंड सर्विसेज और इंक्लूडिंग असेट्स की फेयर वैल्यू रेडिली अवेलेबल होगी मार्केट में। रिबटेबल प्रेजम्पशन का मतलब होता है कि अगर कुछ और आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, जैसे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि नहीं वो रेडिली अवेलेबल नहीं है तो आप उस अजम्पशन को मत लो, ठीक है। बहुत हो गया सर, अब एक क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन नंबर वन अपने नोट्स का, क्वेश्चन नंबर वन और इंस्टीट्यूट में ये इलस्ट्रेशन नंबर फोर करके है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडियन कंपनी इशूड 995 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा एक इंडियन कंपनी 995 शेयर इशू कर रही है क्योंकि वो ऑफिस बिल्डिंग परचेज कर रही है। द टाइटल वॉज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ इंडियन कंपनी ऑन फेब्रुवरी 2001। टाइटल कब ट्रांसफर हुआ, फेब्रुवरी 2001 में ट्रांसफर हुआ। तो टाइटल ट्रांसफर हुआ इसका मतलब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हुए, फेब्रुवरी में। अब मैं अगर शेयर इशू बाद में भी करूंगा, अगर मार्च में भी इशू करूंगा, अप्रैल में भी इशू करूंगा, मैं फेयर वैल्यू किस दिन का लूंगा, मैं फेयर वैल्यू लूंगा फेब्रुवरी का। और फेयर वैल्यू मैं किसका लूंगा, पहले मैं फेयर वैल्यू ऑफिस बिल्डिंग का लूंगा। ऑफिस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कब का लिया जाएगा, फेब्रुवरी का, मतलब जिस दिन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुए। सर ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमें ट्रांसफर हो गए फेब्रुवरी में और हमने शेयर इशू किए मार्च में, अप्रैल में, मई में, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केस में सर हमें फेयर वैल्यू बिल्डिंग की ही लेनी है ना, हाँ सर फेयर वैल्यू बिल्डिंग की फेब्रुवरी की लेनी है कि जिस टाइम पे हम पेमेंट करेंगे उस टाइम की लेनी है, नहीं बेटा फेयर वैल्यू
फरवरी की लेनी है। बेटा तीन डेट इंपॉर्टेंट है, समझाना आपको। एक डेट होती है एग्रीमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट। उस दिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उस दिन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर नहीं हुए, ठीक है, पर एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपसे गुड्स परचेस करेंगे, हम आपसे बिल्डिंग खरीदेंगे। दूसरी डेट होती है जिस दिन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं। और तीसरी डेट होती है कंसिडरेशन को चुकाने की डेट, पेमेंट करने की डेट। तो आपको तीनों में से बीच वाली डेट देखनी है हमेशा, ठीक है ना, जिस दिन आप गुड्स एंड सर्विसेज का सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हो, उस दिन का फेयर वैल्यू। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसको लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, ये आप पॉइंट जरूर लिखें। चलिए, सो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये बोल रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ₹12 लाख ऑन फरवरी 2001। फरवरी 2001 में उसकी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू थी ₹2 लाख। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी वॉज ₹100। बेटा अच्छी बात इसमें यह है कि यहां पर शेयर की उन्होंने फेयर वैल्यू बताई ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग की बताई है। मैंने तो बल्कि आपको पिछले एग्जाम्पल में यह बताया कि अगर शेयर की फेयर वैल्यू दी भी होगी तो भी आपको वो नहीं लेनी है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में ही लेनी है। बट अगर शेयर की फेयर वैल्यू नहीं दी होगी, सॉरी, अगर आपको गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको फिर शेयर की फेयर वैल्यू लेनी है। बट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहां पर क्या बोल रहा है कि 995 शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बदले ऑफिस बिल्डिंग ले रहे हैं, फरवरी में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे बिल्डिंग की वैल्यू ₹2 लाख थी, जो शेयर है उसकी फेयर वैल्यू ₹100 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सिंपल सा सोल्यूशन, फरवरी 2001 के टाइम पे एंट्री होगी ऑफिस बिल्डिंग डेबिट ₹2 लाख टू। सर थोड़ा सा चेंज करवाओ ना सिचुएशन। क्या सर ये बताओ, फरवरी में ऑफिस बिल्डिंग का सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मिल गया, मतलब हमें ऑफिस बिल्डिंग को तो फरवरी में रिकॉर्ड करना चाहिए। पर मान लो सर अगर पेमेंट इसका 2 महीने बाद में हुआ, अप्रैल में हुआ, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर मैं एंट्री करूंगा ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ₹2 लाख। और जब मैं अप्रैल में शेयर इशू करूंगा, शेयर्स इशूड, जब मैं अप्रैल में शेयर इशू करूंगा तो एंट्री करूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स डेबिट ₹2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 99500। क्यों? क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना आएगा? ₹2 लाख से ये बचेगा ₹1,05,000। अब आप पूछोगे सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्या है, ये सर ये कौन सा खाता है सर, ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इज बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इज बेसिकली अ टेम्पररी अकाउंट विच शुड बी रिवर्स्ड ऑन एक्चुअल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा ऐसा है कि अभी तो मैं शेयर नहीं दे रहा हूं आपको, अभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं शेयर दूंगा, तो मैं क्रेडिट किस में करूं? पीएनएल में कर नहीं सकता हूं। क्यों सर पीएनएल में क्यों नहीं कर सकते हो? देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट शेयर दे देता तो डायरेक्टली मैं ये दोनों अकाउंट को क्रेडिट करता, और ये दोनों अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी इज वॉट सर? एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी, शेयर कैपिटल इज इक्विटी टेक्निकली, एंड शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज वॉट? इट इज ऑल्सो इक्विटी। मतलब दैट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये दोनों इक्विटी का पार्ट है। और अगर ये दोनों इक्विटी का पार्ट है और फिलहाल अगर मैं इशू नहीं कर रहा हूं शेयर, तो मुझे इक्विटी को ही बुक करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है बेटा? ये भी एक तरीके से इक्विटी है। बट जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी का नाम बदल के शेयर कैपिटल में थोड़ा सा जा रहा है और थोड़ा सा रिजर्व में जा रहा है। दैट्स इट। मैंने आपको इसमें बदलाव क्या करवाया? क्वेश्चन
में ये नहीं था कि हम शेयर्स को इशू करेंगे 2 महीने बाद, बट मैंने आपको बोला कि अगर हम शेयर 2 महीने बाद इशू करेंगे तो सबसे पहले हम बुक करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और जब तब तक बैलेंस शीट में ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बैलेंस शीट में 31 मार्च की, क्योंकि अप्रैल में इशू कर रहे हैं, 31 मार्च की बैलेंस शीट में ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में और शेयर होल्डर्स फंड में, जो दो हेड होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल और दूसरा होता है अदर इक्विटी, तो ये अदर इक्विटी में दिखेगा। ये कहां दिखेगा? अदर इक्विटी। आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में आप इसको आप इसको पता है किस नाम से पहचानते थे? आप इसको पहचानते थे इक्विटी सॉरी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इंप्लॉय वहां इंप्लॉय था, वहां पर आप बोल सकते हो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। हम अब इसको नाम देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। जैसा देश वैसा बेस, बेस नहीं भेस, दैट मींस इंडियस आ गया ना, तो इंडियस के अकॉर्डिंग नाम भी थोड़ा सा स्टाइलिश रख दिया, और इंस्टीट्यूट भी अब अपने मॉड्यूल में स्टाइलिश नाम यूज करता है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। पहले यूज करता था स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, हाँ शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मिटाऊं, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जा रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज पे, अभी फिर भी फिर से मैं गुड्स की ही बात करूंगा थोड़ी देर के लिए। शेयर बेस्ड पेमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ गुड्स असेट्स, एक्विजिशन ऑफ गुड्स या असेट्स, अगर गुड्स एंड असेट्स का एक्विजिशन होगा तो क्या होगा? सर एक बात बताओ, आपने जो इंप्लॉइज में चार्ट बनवाया था कि इक्विटी सेटल्ड होते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बनाया, आपकी कॉपी में बन गया होगा, इक्विटी सेटल्ड होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं, तो सर इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, इसमें भी हो सकता है कि ये इक्विटी सेटल्ड हो या फिर कैश सेटल्ड हो या तो फिर मिक्स्ड हो, मतलब इक्विटी शेयर भी देंगे और कैश भी इशू करेंगे। सर ऐसा हो सकता है तो कैसे होगा? हम उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं एग्जांपल बना रहा हूं कि ऑफिस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू 2 लाख है, कंसीडरेशन में हमने कैश पे किया है 40,000 का, बाकी हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, वन सेकेंड, मुझे इक्विटी शेयर का वर्किंग करने दो। इक्विटी शेयर्स इशूड 795, मान लो 795 पे इशू किया, 795 नंबर्स, फेस वैल्यू 100, ठीक है बेटा। अब क्या होगा? अब क्या एंट्री होगी जहां पर कैश इन्वॉल्व हो गया, अब क्या एंट्री होगी? सर सिंपल है, फेब्रुअरी 2001 में क्या एंट्री, अच्छा हम मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में ही पेमेंट होगा, ठीक है ना। सो एंट्री क्या होगी? बहुत मजेदार एंट्री है, देखो ध्यान से, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 लाख टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, अकाउंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व,
सर ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ प्लीज। लाइबिलिटी, बेटा इसमें हमेशा कैश लाइबिलिटी जितनी भी होगी वो आएगी। लाइबिलिटी 40,000। जो बच्चा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुका है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ाओ, चाहे वो मुझसे पढ़ाओ चाहे किसी और टीचर से पढ़ाओ, जो बच्चा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुका है उसको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि सर हाँ ये लाइबिलिटी क्यों होनी चाहिए। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब होता है जहां पर हमें कैश पे करने की ऑब्लिगेशन है, जहां हमारी कैश पे करने की ऑब्लिगेशन है। यहां पर एग्रीमेंट क्या हुआ कि मैं आपसे 2 लाख की बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं और उसके बदले मैं आपको कैश पे करूंगा ही करूंगा 40,000 और बाकी मैं आपको शेयर इशू करूंगा। दैट मींस कि यहां पर मेरी पूरी इक्विटी पोर्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पर 40,000 का मेरा लाइबिलिटी पोर्शन क्रिएट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। हां मैं इसका नाम बदल सकता हूं, मैं इसका नाम, मैंने ऑफिस बिल्डिंग 2 लाख रुपए अक्वायर्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो मैं यहां पर कर दूंगा टू मिस्टर ए अकाउंट, ऐसा कर दूंगा और उसको लाइबिलिटी साइड में रखूंगा। पर है तो वो किस हेड का, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ये मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि फाइनेंशियल असेट क्या होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। और ये जो बाकी है, बाकी इक्विटी बच गया तो 1,60,000। फिर अप्रैल में, अप्रैल 2001 में हम एंट्री करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 40,000, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स डेबिट 1,60,000 टू बैंक 40,000, ये तो लाइबिलिटी सेटल हो गई 40,000 की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, 795, तो 795,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तो आएगा नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा डिफरेंस, 160 माइनस 79,500, ये आ जाएगा 80,500। पिछले से कंपेयर करो, यहां पर हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, पूरी की पूरी इक्विटी, तो 99,500, यहां पर इक्विटी 79,500, मतलब 20,000 का डिफरेंस, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,05,000, यहाँ 8,500, यहां पर भी 20,000 का डिफरेंस, 20-20 का डिफरेंस क्यों, क्योंकि वो 40 के रूप में हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली इस बार। ओके गाइस, क्लियर हुआ कि नहीं, इसको स्पेशल क्वेश्चन कैटेगरी में डाल दीजिएगा, एग्जाम के टाइम पे आपको ये एग्जाम्पल देख के जाना है, एग्जाम के टाइम पे आपको ये एग्जाम्पल देख के जाना है। इंस्टीट्यूट क्या, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने उसको बदलाव करके ऐसा बुक कर दिया। मजा आएगा आपको ये पूरा चैप्टर करने में, बहुत मजा आएगा। चलिए, सो मैंने आपको बताया कि भाई गुड्स एंड असेट्स के केस में भी इक्विटी सेटल्ड हो सकता है, कैश सेटल्ड हो सकता है और मिक्स्ड हो सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया मिक्स्ड का, सर अगर सिर्फ कैश सेटल्ड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, सिंपल। उस केस में भी आप बिल्डिंग की ही फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले तो, बट अगर बिल्डिंग की फेयर वैल्यू नहीं है तो शेयर की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो लाइबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं शेयर के बेसिस पर ही निकाली गई होगी, तभी तो हम इसको शेयर बेस्ड पेमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको मिक्स्ड का करवा लिया, बल्कि ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा जी सर, 31 मार्च में ये शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी कहां दिखेगा, क्या ये भी इक्विटी, अरे इक्विटी में क्यों दिखेगा, ये तो आपका करंट लाइबिलिटी में फाइनेंशियल लाइबिलिटी के हेड में जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हमने बात की है अभी गुड्स की, अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ सर्विसेज की बेटा, शेयर बेस्ड पेमेंट्स फॉर सर्विसेज अक्वायर्ड, सर्विसेज अक्वायर्ड। बेटा रूल तो वही है, रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड, इफ नॉट अवेलेबल तो फेयर वैल्यू ऑफ
सर्विसेज, सर्विसेज नहीं सॉरी शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। पर इसमें एक छोटा सा इश्यू है, इसमें एक छोटा सा इश्यू है। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं बेटा। सर्विसेज के केस में क्या होगा, दो टाइप की सर्विस होती हैं, वन टाइम सर्विस जिसको मैं शॉर्ट टर्म सर्विस बोलूंगा, और एक होती है कंटिन्यूअस सर्विस। लॉन्ग टर्म सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस, शॉर्ट टर्म सर्विस, वन टाइम सर्विस, कंसल्टेंसी। एक बार कंसल्टेंसी मुझसे ली गई, लगभग एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। फॉर एग्जाम्पल जय चावला बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बींग IFRS सर्टिफिकेट होल्डर, और क्योंकि मैं इस फील्ड में काम भी करता हूं इंप्लीमेंटेशन में, इंडियस इंप्लीमेंटेशन में, तो क्या हुआ, एक कंपनी को अपना इंडियस इंप्लीमेंटेशन करवाना है, ठीक है ना। फेज वन में आई या फेज टू में आती है, और वो लिस्टेड कंपनी है, मान लो लिस्टेड कंपनी, फेज टू में तो आएगी नहीं, हालांकि कोई भी कंपनी मान लो लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी। तो कंपनी ने जय चावला की सर्विसेज ली, कंपनी ने जय चावला को बोला कि भैया हमें तो इंडियस इंप्लीमेंटेशन करना है, उसमें आप हमें गाइड करिए, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप गाइड करिए। तो हमसे मुझसे कोटेशन मांगा गया और मुझसे समय मांगा गया। मैंने बोला कि इट टेक्स वन मंथ, कम से कम इट टेक्स वन मंथ, हमारी एक महीने की सर्विस होगी, फाइनलाइजेशन का टाइम चल रहा है, एक महीने का सर्विस होगा, एक महीने में फाइनलाइजेशन करना है और इंडियस इंप्लीमेंटेशन करवाना है। मेरा काम क्या है, मेरा को उनको गाइडेंस देना है। अच्छा, ये डिसाइड हुआ कि मुझे कंपनी उसके बदले पेमेंट कैश में नहीं करेगी, मुझे कंपनी उसके बदले शेयर्स देगी। मुझे उसके बदले पेमेंट किस में मिलेगा, शेयर्स इशू होंगे। मैंने ओके अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले मुझे शेयर्स मिलेंगे, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कंपनी ने जय चावला की सर्विसेज ली, तो कंपनी डेबिट क्या करेगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अच्छा, ये सर्विस का पीरियड क्या है, वन मंथ। क्या दिक्कत है यार, सर्विस का पीरियड वन मंथ है ना, तो ये डायरेक्ट खर्चा बुक होगा, जिस दिन मुझे शेयर मिलेगा डायरेक्ट खर्चा बुक होगा। खर्चा कितना बुक होगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। मुझसे जब कोटेशन मांगा गया होगा, तो जो मैंने कोटेशन दिया होगा और जिस प्राइस पे हम एग्री हो गए हुए हैं, उस प्राइस को बोला जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। क्लियर? तो इसको बोलेंगे वन टाइम सर्विस, शॉर्ट टर्म सर्विस। लॉन्ग टर्म सर्विस क्या होती है, और यहां पर लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने से ऊपर नहीं, यहां पर लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने से ऊपर वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां लॉन्ग टर्म का मतलब अकेला 12 महीने से ऊपर भी नहीं, इवन अगर 6 महीने की सर्विस भी है, कंटिन्यूअस बेसिस पर चल रही है, तो भी वो लॉन्ग टर्म होगी। सर कैसे, देखिए आप सबको पता है कि लिस्टेड कंपनीज को, अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो लिस्टेड कंपनीज को सेबी, लार्ज लिस्टेड जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको सेबी बोलता है कि आपको हर क्वार्टर क्वार्टर में रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, याद है आपको। हाँ, अगर लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टरली बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, और जो सर्विसेज है वो 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस है, 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस है, तो जो 6 महीने हुए, हो सकता है उसमें से 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर में आ रहे हो और 3 महीने सेकंड क्वार्टर में आ रहे हो, क्योंकि जो सर्विस चलेगी वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलेगी, और हो सकता है सर्विस अप्रैल से लेकर सितंबर में ना होके जून से लेकर स्टार्ट हो, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में खत्म हो। तो सोचो ये जो सर्विस 6 महीने, ये तीन अलग अलग क्वार्टर्स में आ रही है, जून में थोड़ा सा जून वाले मंथ का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का सेकेंड क्वार्टर, फिर अक्टूबर वाला पोर्शन थर्ड क्वार्टर में जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सर्विस। जब इसको कंटिन्यूअस सर्विस बोलते हैं, तो हमें हर क्वार्टर में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा। मैं पहले लिखवा लेता हूं तो अभी आपके समझ में आए। वन टाइम सर्विस, शॉर्ट टर्म सर्विस, बुक एक्सपेंडिचर इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द सर्विस।
book the expense on proportionate basis. मतलब यहां पर मैं एक ही बार एंट्री करूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सर्विस मुझे मिली है, खर्चा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अगर इक्विटी सेटल है तो, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अगर कैश सेटल है तो, या फिर दोनों का नाम, ठीक है, पर एक ही बार एंट्री होगी। यहां पर प्रपोर्शनेट फर्स्ट क्वार्टर में क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट उस फर्स्ट क्वार्टर का एक्सपेंस, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू इन टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व उतने से छोटा सा, फिर अगले क्वार्टर में फिर से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट प्रपोर्शनेट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, फिर थर्ड क्वार्टर में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और मान लो छह महीने के बाद मुझे शेयर इशू किए गए तो फाइनल एंट्री होगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया, बस इतना आपको ध्यान रखना है, वन टाइम और कंटिन्यूस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर टू, मेरे नोटबुक का क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, मेरे नोटबुक के क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, जो कि आपके इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर फाइव है, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर फाइव है, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर फाइव है, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर फाइव है। रिलायंस लिमिटेड हायर्ड अ मेंटेनेंस कंपनी फॉर इट्स ऑयल ऑयल फील्ड्स, ठीक है, एक मेंटेनेंस कंपनी को हायर किया ऑयल फील्ड्स के लिए, द सर्विसेज विल बी सेटल्ड बाय 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, मतलब ये इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन है, पीरियड फॉर विच द सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड इज फर्स्ट अप्रैल टू फर्स्ट जुलाई, यहां तो तीन महीने आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी देखना इंस्टीट्यूट ने इसकी एंट्रीज क्या की हैं। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज वाज एस्टिमेटेड यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर देखा जाएगा, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 लाख INR, 1 लाख INR मतलब 1 लाख रुपए, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इज 10। बेटा ध्यान से, मैं अगर तीन महीने भी दिए हुए हैं तो मैं इसको भी कंटिन्यूस ही मानूंगा और मैं मंथली बेसिस पे एक्सपेंडिचर बुक करूंगा, हो सकता है एक महीना एक पर्टिकुलर मंथ किसी डिफरेंट क्वार्टर में आ रहा हो और बाकी पीरियड किसी डिफरेंट क्वार्टर में आ रहा हो, तो इसीलिए मैं प्रपोर्शनेट बेसिस पे बुक करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस 1 लाख, नंबर ऑफ मंथ्स 3, तो अप्रैल मई जून, प्रपोर्शनल निकालो, 1 लाख/3 एंट्री होगी मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, या वॉट एवर आप नाम कुछ भी रख सकते हो, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, आपको समझ में आ गया होगा, सेम एंट्री कर रहा हूं पर प्रपोर्शन में, फिर 1 जुलाई को क्या एंट्री होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 1 लाख, 1, 2, 3, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर हैं, 1000 शेयर, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 90,000, दैट्स इट, खत्म।
ठीक है बेटा। अच्छा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इंस्टीट्यूट ब्रैकेट में हमेशा इसको इक्विटी इक्विटी लिखता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रिजर्व लिखा है मतलब ये इक्विटी नहीं है। अगर मैं अदरवाइज में लिखूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी तो वो टेक्निकली वो लाइबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं है। ठीक है, हो गया गाइस क्लियर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है कि गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अगर हम शेयर बेस्ड पेमेंट खेलेंगे तो फिर क्या होगा। फेयर वैल्यू सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज की ली जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर शेयर्स की ली जाएगी। ध्यान ये रखना है कि गुड्स के केस में जिस दिन आपको सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मिले उस दिन। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर है कि ना? यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, मेरे नोटबुक में से भी आपको अगर कुछ पढ़ना है, थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ने, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना भूल गया, मुझे अभी याद आई तो मुझे लगा नहीं यार बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए सर? देखो, हम बात कर रहे थे शेयर बेस्ड पेमेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, नॉन एम्प्लॉइज बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल पार्टीज पार्टीज। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी बना लीजिए, ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन कौन से डेट? ऑन द डेट व्हेन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। सेकेंड प्रायोरिटी क्या? फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द ग्रांट डेट। अब ये ग्रांट डेट का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट डेट, जिस दिन हमने उनको शेयर्स ग्रांट किए। सर मतलब इशू डेट? नो, इशू डेट नहीं, ग्रांट डेट मतलब जब कंपनी, जिस दिन कंपनी अग्रीड हो गई कि यस वी विल इश्यू शेयर्स टू यू, ग्रांट डेट। तो हमें ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू देखनी है, ग्रांट डेट ओनली, याद रखेगा। अब मैं अगर ये बोलूं कि ग्रांट डेट पर शेयर की फेयर वैल्यू थी 120 रुपए पर शेयर, बट इश्यू करते टाइम हो गई 130, तो क्या करेंगे सर? नहीं, मैं 120 के हिसाब से ही रिकॉर्ड करूंगा।
मैं 130 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मतलब ग्रांट डेट के बाद अगर फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है इशू के टाइम पे तो हमें इग्नोर करना है। फेयर वैल्यू ऑन इशू डेट टू बी इग्नोर। ओके ओके ओके, ये तो हो गया, ठीक है ना। सर सर सर, एक छोटा सा सर डाउट आ रहा है, बता दो सर, बता दो। हाँ सर, गुड्स के केस में तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स समझ में आता है, क्योंकि सर गुड्स बेसिकली डिलीवरी बेसिस पे चलते हैं। सर आप सर्विस के बेसिस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि अगर कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विस है, ऐसे केस में आप फेयर वैल्यू किस दिन की चेक करोगे? ओ माय गॉड, देखो अगर शॉर्ट टर्म सर्विसेज है, इवन दो चार महीनों की भी है, तो प्राइजेस ऑफ फेयर वैल्यू प्राइजेस में ज्यादा बदलाव नहीं आने चाहिए, ये हम सब समझते हैं बेटा, कॉमन सेंस। बट अगर कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विस है और लगातार 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, लगातार 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखिए यहां पर इंड एस 102 ज्यादा इतना डिस्क्राइब नहीं करता है, बट मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। जिस दिन हम कंसल्टेंट और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो एग्रीमेंट बिना शेयर के पेमेंट के बेसिस पे हुआ था नॉर्मली, कि मैं तो भाई आपसे इतना चार्ज करूंगा, बाद में टर्म्स ये हुई कि भैया मुझे पेमेंट शेयर के रूप में मिलेगा, मतलब चाहे शेयर के रूप में पेमेंट नहीं भी मिलता, मेरा टर्म्स डिसाइड हो गया था कि मैं तो आपसे 3 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो उसी दिन 3 लाख डिसाइड हो गया था, बस अब आप कंटिन्यूस बेसिस पे भले 3 साल तक दोगे, आपको तो 3 लाख के हिसाब से सर्विस को बुक करना है। बट हो सकता है ये ऐसा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट बेसिकली इनिशियली इट वॉज नॉट एग्रीड कि 3 लाख ही रहेगा, इट विल बी गेटिंग इंक्रीज अगर आगे चल के इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, मान लीजिए इनिशियली तो 3 लाख रुपए डिसाइड हुआ, तो हमने 3 लाख के हिसाब से प्रपोर्शन किया, फर्स्ट ईयर में प्रपोर्शन किया, मान लीजिए सेकेंड ईयर में मार्केट रेट बदल गए, अब ऐसा ही सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर हम किसी और के साथ करेंगे, कैश में करेंगे, तो हम 3 लाख में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 3.5 लाख में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कितने में करेंगे? 3.5 लाख। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 × 2, मतलब 3.5 लाख के हिसाब से मैं अपना खर्चा बुक करूंगा, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 × 2, तो आज तक कितना खर्चा हो जाना चाहिए था, 3.5 लाख डिवाइड बाय 3 × 2, तो हो जाना चाहिए था 2,33,333। उसमें से पिछले साल कितना खर्चा बुक कर लिया, 3 लाख डिवाइड बाय 3, मतलब 1 लाख, तो इस साल में 1,33,333 ही बुक करूंगा। समझ में आया, मतलब इट मे बी चेंज्ड। तो सर्विसेज के केस में फेयर वैल्यू चेंज हो सकता है अगर कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विस है और लॉन्ग टर्म नेचर का सर्विस है, और इनिशियली फेयर प्राइस नेगोशिएट नहीं किया गया था, इनिशियली प्राइस अग्रीड नहीं किया गया था, ऐसा रेयर केसेस होते होंगे, मोस्टली रेयर केसेस होते होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस ही नहीं किया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज। बेटा है तो यहां पे भी सर्विस, पर यहां पर सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय। सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय। है सर्विस, पर यहां पर सर्विस एम्प्लॉय दे रहा है। सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है। यहां पर सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है। सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, ठीक है। ओके अच्छा, यहां पर एम्प्लॉय में कौन कौन हो सकता है, की मैनेजमेंट पर्सनल,
हमने पढ़ा ना की मैनेजमेंट, पर्सनल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंडिया 24, या तो फिर डायरेक्ट, मतलब बेसिकली डायरेक्टर भी तो की मैनेजमेंट पर्सनल होगा ना, डायरेक्टर, रेगुलर एम्प्लॉय, वॉट एवर, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में क्या बुक किया जाएगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट होगा एम्प्लॉय एक्सपेंस, डेबिट होगा एम्प्लॉय एक्सपेंस, डेबिट होगा एम्प्लॉय एक्सपेंस, डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट, रिजर्व और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। बेटा डिपेंड करता है ना कि इक्विटी सेटल्ड है कि कैश सेटल्ड है, ठीक है सर। सर अब ये कौन सी वैल्यू पे जाएंगे, सर ये कौन सी वैल्यूज पे जाएंगे, एम्प्लॉय एक्सपेंस और शेयर बेस्ड पेमेंट, रिजर्व या लायबिलिटी, किस वैल्यू पे बुक होगा, किस वैल्यू पे बुक होगा, रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ। सर यहां पर भी क्या सर्विसेज की वैल्यू देखी जाएगी, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब नॉन एम्प्लॉयज, मतलब एक्सटर्नल पार्टीज के केस में हम गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को प्रायोरिटी दे रहे थे, वैसा देखा जाएगा? नो, यहां पर होगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन ग्रांट डेट, बस। यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है ही नहीं, सर्विस है एम्प्लॉय की, तो यहां पर एम्प्लॉय की जो सर्विस है उसकी फेयर वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहां पर हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ग्रांटेड होंगे, ऑन ग्रांटेड, याद रखिएगा। यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड नहीं है, और बेटा ये चीज आपने आईपीसीसी में भी यही पढ़ी है। आईपीसीसी में भी हम टेक्निकली जब हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन निकालते थे या एम्प्लॉय कॉम एक्सपेंस निकालते थे, तो हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखते थे, ठीक है ना। ठीक है सर, मुद्दा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू देखना है, ग्रांट डेट ओनली। ओके, नाउ 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 नाउ, ये हो गया, ये हो गया एम्प्लॉयज का केस हो गया, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब मिक्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, वेस्टिंग कंडीशन क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है ना, बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको बोला ना, आज मैं बेसिक्स क्लियर करने वाला हूं, मैं ज्यादा का थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा अगली, मतलब बाद में थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा कि वेस्टिंग कंडीशन क्या होगी, वेस्टिंग कंडीशन कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट वो भी पार्ट है, बट पहले जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो मालूम होना चाहिए बच्चों को, पहले प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाए, फिर मैं उसका थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट आपको करवाऊंगा। अब मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तीन क्वेश्चन, हम उसके बाद ही ये सेशन खत्म करेंगे। मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपने नोटबुक का और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, दोनों गुड्स एंड सर्विस का था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 ही है, नहीं सॉरी, हाँ 1, 2, 3 है शायद, हाँ 1, 2, 3 होंगे, मैं बता दूंगा, तो उस हिसाब से ही है, तो वो हम तीनों बेसिस पे प्रिपेयर करके देखते हैं कितना होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए थोड़ा 2 मिनट आप मुझे दीजिए, आईपीसीसी पे चलते हैं 2 मिनट। आपने ईसॉप पढ़ा हुआ है बेटा, मैं थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करूंगा यार, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो यार, कुछ तो पता होगा एटलीस्ट, आईपीसीसी में ईसॉप पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि जय सर जल्दी कर रहे हैं, बट यार इतनी चीजें तो पता होंगी आईपीसीसी लेवल की। ईसॉप होता था, ईसॉप में आपको याद होता था हम कैसे निकालते थे, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते थे, एक्सपेंस हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपको ध्यान होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू अवेल द ऑप्शन, कितने एम्प्लॉइज ऑप्शन अवेल करेंगे, इनटू फेयर वैल्यू, इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस मतलब हर एम्प्लॉय को कितने देंगे, ठीक है ना, ऑप्शंस
इनटू फेयर वैल्यू करते थे, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड करते थे, मतलब कितना पीरियड का कंडीशन है, ठीक है ना, और इनटू करते थे जितने नंबर ऑफ इयर्स हो चुके हैं, नंबर ऑफ इयर्स लैप्स्ड, और जो भी आता था, जो भी आता था उसमें से हम माइनस करते थे अर्लियर इयर्स एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, तो वो करंट ईयर का आता था, फॉर करंट ईयर, याद है आपको ऐसा कुछ होता था। अच्छा, इसमें आईपीसीसी के टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि जो ये वाली चीज होती है, कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उस क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं और नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, वो टोटल मिला के बता देगा, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शंस। जब मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को नंबर ऑफ ऑप्शंस से इनटू करूंगा तो मिलेगा मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शंस, एम्प्लॉय ऑप्शंस इनटू होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, सिर्फ जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आए कि हाँ ये एम्प्लॉय ऑप्शंस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपको ध्यान होगा जब हम ईसॉप के क्वेश्चन करते थे तो बताया जाता था कि एम्प्लॉय को 3 साल 4 साल 5 साल तक का कंटिन्यूस सर्विस देना पड़ेगा, और हर साल के एंड में एक एस्टिमेशन बताया जाता था कि एक्सपेक्टेड है कि इतने एम्प्लॉइज जाएंगे या एक्सपेक्टेड है कि इतने एम्प्लॉइज ही फाइनली अवेल करेंगे, तो हम बेस्ड ऑन एस्टिमेशन हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे, याद है आपको। बस आपको अगर इतना तक याद आ रहा है तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, मेरे नोटबुक का थर्ड है और आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। सर नोट करना है, कर लो भाई नोट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। ABC Limited granted to its employees share options with a fair value of rupees 5 lakh. ABC Limited ने अपने employees को क्या grant किया? Share options grant किए with a fair value of 5 lakh on 1st April. बेटा अब यहां पर जो fair value 5 lakh रुपए दी हुई है, ये fair value क्या है? Fair value of share है बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, क्या ये ग्रांट डेट पर दी गई है? देखो ना, लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को ग्रांट किया और 1 अप्रैल को ही फेयर वैल्यू है। फिर से पढ़ते हैं, एबीसी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शन ग्रांट किए जिन शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब ये फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए बेटा कैसे निकाली गई होगी? फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए कैसे निकाली गई होगी? फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये 5 लाख रुपए फेयर वैल्यू कैसे निकाली गई होगी? ऐसे ध्यान से देखो क्या लिखा है, लॉजिकली समझ में आएगा। इंप्लॉइज की ये 5 लाख रुपए की फेयर वैल्यू कैसे निकाली गई होगी? ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू निकालते टाइम देखा गया होगा कि यार हम ये कितने इंप्लॉइज को ये ऑप्शन दे रहे हैं, सेकंड हम कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं, और थर्ड एक ऑप्शन की वैल्यू कितनी है। तो ये मैंने तीनों चीजें लिखी है, तो दिस इज कॉल्ड 5 लाख। जो क्वेश्चन में 5 लाख रुपए दिया हुआ है वो ये है, ठीक है, तो भूलना मत, मतलब लॉजिक्स क्लियर रखना। सो क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 5 लाख ऑन 1st अप्रैल 2000 इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31st मार्च 2003। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी में ही काम करते हैं 3 साल तक, बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इन कंडीशंस का क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट है वो बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे ही सुन लो। ये जो कंडीशन रखी गई है कि आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, 4 साल तक काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सर्विस कंडीशन। ये कोई नई बात नहीं है, हो सकता है आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा हो। इसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन, मतलब इंप्लॉई को सर्विस देनी पड़ेगी, 3 साल की कंडीशन है। अच्छा, ऑन 31st मार्च 2001, एक काम करते हैं अपन, एक चार्ट बना लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा।
1 अप्रैल 2000 फेयर वैल्यू ऑप्शन की कितनी है? 5 लाख शेयर ऑप्शन। ये किस बेसिस पे निकला होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फेयर वैल्यू पर शेयर पर ऑप्शन और नंबर ऑफ ऑप्शंस। 31 मार्च 2001 को क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन क्या है? 3 साल की। कंडीशन है। यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है? एक्सपेक्टेशन 91% अवेल होगा। अब ये जो 5 लाख रुपए फेयर वैल्यू निकाली गई होगी, ये किस दिन के बेसिस पर निकाली गई है? ग्रांट डेट के बेसिस पर। और ग्रांट डेट पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 100% मान के चल रहे हैं, तो यहां पर जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेंज हो रहे हैं तो हमें फेयर वैल्यू को 91% ही लेना पड़ेगा। पर सर आपने तो बोला था कि फेयर वैल्यू हमेशा ग्रांट डेट की होगी, तो मैं कहां चेंज कर रहा हूं? मैं फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की ही ले रहा हूं, बट मैं प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को चेंज कर रहा हूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां पर 100 होंगे, अब यहां पर 91 हो गए, ऐसा सोचो। तो यहां पर फेयर वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा? 4,55,000 इन 3 ईयर्स। तो एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉई एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। करो भाई, 5 लाख इंटू 91,000, 455 डिवाइड बाय 3, 5151 अच्छा किस दिन एंट्री हुई? 31 मार्च 1। अच्छा सर ये कहां जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अच्छा सर ये कहां जाएगा? ये आपका बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगा तब। 31 मार्च 2002 यहां पर देखें भाई एक्सपेक्टेशन क्या है। 31 मार्च 2002 को कंपनी का एक्सपेक्टेशन फिर से बदल गया और 89% हो गया। तो फेयर वैल्यू कितना है? 5 लाख है। देखो ग्रांट डेट का ही, ग्रांट डेट पर उसका 89%। अच्छा डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 2 सालों में कितना हो जाना चाहिए था? 296,667। उसमें से पिछले साल कितना हो गया था? एक सेकेंड यार, 5 लाख का 89 बोला ना, 445 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 296 माइनस 151,667 हो जाएगा 1,45,000। एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट 145 टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 145। अच्छा जी यहां पर बताइए एक्चुअल ऑप्शंस कितने हैं? हाउएवर ओनली 82% ऑफ द एम्प्लॉइज रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, 82%। तो 5 लाख फेयर वैल्यू ग्रांट डेट इंटू 82%, 4,10,000। उसमें से ऑलरेडी हम 151,667 और 145 बुक कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। तो इतना बुक करना पड़ेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट। टू
शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ओके ये जाएगा पीएनएल में। अब बताओ आउटस्टैंडिंग शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2003 कितना हो गया होगा, 410,000। अब क्या करेंगे, शेयर्स आर इशूड, सपोज हम अगले ही दिन शेयर इशू कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2003 एंट्री होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 410,000 2 2 2 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते तो इनटू 10 फेस वैल्यू करके हम लिख लेते और बाकी का हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते, बट यहां कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मान के चल रहे हैं कि 410,000 का पूरा इक्विटी कैपिटल में जाएगा। दैट्स इट, खत्म। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आईपीसीसी लेवल का क्वेश्चन था बेटा, बढ़ेंगे ना, लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी। चलिए जल्दी आते हैं आगे, जल्दी इसको देख लीजिए एक बार, ओवरव्यू ले लीजिए, आगे आते हैं बेटा। अब मैं आपके साथ बात करूंगा, ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली क्या क्वेश्चन था, ये था इक्विटी सेटल्ड। अब मैं बात करूंगा आपसे कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड। अब मैं आपसे बात करूंगा कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैं इस सेशन में, हमारा सेशन अभी चलेगा, मतलब हमें शेयर बेस्ड पेमेंट का एक और सेशन लगेगा, अभी तो हमारा सेशन लगेगा, बट हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम सारे बेसिक्स पर बात कर रहे हैं। हो सकता है आप मेरी क्लास देख रहे होंगे, आपने मेरी क्लास परचेज अगर की है या वॉट एवर, आप ये पर्टिकुलर लेक्चर तो यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, मैंने ये डिसाइड किया है। सो ये क्लास हो सकता है आप मेरी जब देख रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर किया हो सेल्फ या कभी ना कभी कैसे ना कैसे, तो हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हो कि सर ना उसमें ये भी है तो सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। गाइज बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी बट धीरे धीरे, ठीक है ना। ऑब्वियसली एक 2-2.5 घंटे के सेशन में मैं सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकता हूं। चलिए ये नोट हो चुका है तो बिना किसी देरी के मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एंड बिफोर एनी क्वेश्चन, बिफोर डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। सो बिफोर डिस्कसिंग सच क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बात करना चाह रहा हूं, शेयर बेस्ड पेमेंट्स एम्प्लॉइज। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव। तो अभी मैं फिर फिलहाल इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव को हटा रहा हूं क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी है, मैं उसको थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि बेटा एक होते हैं इक्विटी सेटल्ड, इसका एग्जाम्पल ईसॉप, बेस्ट एग्जाम्पल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वाइट इक्विटी शेयर या एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान, बेस्ट ऑप्शन। अच्छा ऐसे केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन किस दिन का देखते हैं, ऑन ग्रांट डेट का देखते हैं। अच्छा अच्छा हेयर देयर इज नो लायबिलिटी, देर इज नो
लाइबिलिटी मैंने ठीक नहीं लिखा, देर इज नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। बेसिकली इक्विटी शेयर देने का वादा किया है। क्या देने का वादा किया है? इक्विटी शेयर। मैं बार बार फिर से मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करना चाहूंगा। हमने देखा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्लिगेशन शेयर देने की अगर होती है तो हम उसको इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जहां ऑब्लिगेशन कैश को डिलीवर करने की है वहां पर हम उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब मैं इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन दे रहा हूं तो क्या वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? यस। और अगर वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हुई या फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्योंकि यहां पर हमारी कोई कैश डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर मैं बोल रहा हूं कैश सेटल्ड, अब मैं बोल रहा हूं कैश सेटल्ड, तो बेटा इस कैश सेटल्ड को बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR। सर ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मैं थोड़ा सा दो मिनट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूं। कैश सेटल्ड कैसे चलता है? मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को मैंने आपको ऑप्शन दिया कि तुम तीन साल तक काम करो, आप एम्प्लॉय हो, तुम 3 साल तक काम करो और 31 मार्च 2004 में अगर तुम लगातार 3 साल तक की मुझे सर्विस दोगे, लगातार 3 साल की सर्विस दोगे, तो उसके बाद आने वाली 15 अप्रैल 2004 को शेयर की जो भी मार्केट प्राइस रहेगी, शेयर की जो भी मार्केट प्राइस रहेगी उस मार्केट प्राइस के बराबर मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, मैं तुम्हें शेयर नहीं दूंगा। शेयर की जो भी मार्केट प्राइस रहेगी मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। शेयर की मार्केट प्राइस अगर 52 रुपए रहती है, 52, तो मैं तुम्हें अच्छा नंबर ऑफ ऑप्शंस से 5000, शेयर की जो भी प्राइस रहेगी मैं तुम्हें वो वाला प्राइस इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, जितने मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैश। जितना भी प्राइस रहेगा शेयर का, यहां पर जितना भी प्राइस रहेगा, वॉट एवर द प्राइस इज, जो भी प्राइस रहेगा। अब बेटा टेक्निकली जब हम ये ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं, ये ग्रांटेड है, जब हमने ऑप्शन दिया उस टाइम तो हमें पता नहीं है कि शेयर की वैल्यू क्या होने वाली है, वी डोंट नो, वी जस्ट कैन एस्टिमेट, और हम आज की फेयर वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हमें इस दिन पे मान लो फेयर वैल्यू मिली लेट अस से 40 रुपीज, कितनी वैल्यू मिली? 40 रुपीज। यहां पर आज 40 रुपए वैल्यू है, तो मैं आज 40 रुपए के बेसिस पे बोल रहा हूं, 40 रुपए के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि यार आज वैल्यू 40 रुपए है, आज वैल्यू 40 रुपए है, मैं 5000 शेयर पर तुम्हें कैश दूंगा। आज तो 40 रुपए है, बाद में अगर जो भी वैल्यू रही मैं उसके हिसाब से तुम्हें कैश दूंगा। एज एन एम्प्लॉय आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे यार ठीक है, नॉट बैड, शेयर की वैल्यू अगर बढ़ गई तो अच्छी बात है, शेयर की वैल्यू गिर गई तो ठीक है, अगर हम कंपनी में रहे तो हम कैश ले लेंगे, नॉट बैड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा तो यहां पर मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही मैंने एक साल क्रॉस किया, यहां पर फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई 44 रुपीज, यहां फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई 44। अब कंपनी को लग रहा है ओ माय गॉड 44 रुपीज हो गए, इसका मतलब हमें अगर आज की कंडीशन को ध्यान में रखें तो यार हमें 44 में पे करना पड़ेगा, हमें 44 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहां पर वैल्यू हो गई 49। जब कंपनी सेकेंड ईयर क्रॉस कर चुकी होगी तो कंपनी फेयर वैल्यू देखेगी, लेकिन यार शेयर की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, 49, ओ माय गॉड हमें 49 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां जाके वैल्यू हो गई 52 और ये 52 यहीं पर है मान लो, फिर कंपनी बोलेगी ओहो हमें फाइनली 52 पे करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो
कैश सेटल्ड को बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जितना भी एप्रिशिएट होगा। अच्छा एप्रिसिएशन क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है चलो छोड़ो दो, मैं 2 मिनट बाद बता रहा हूं, पहले मैं अपना अपना पहला वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूं। तो इसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। मैं आपको 52 रुपए दूंगा क्योंकि अब 52 हो चुका है, ठीक है ना। बट अब इस केस में मैं फेयर वैल्यू कैसे लूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ क्या निकाली जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकाली जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेयर वैल्यू के बेसिस पे। अब बेटा इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर इक्विटी सेटल्ड में हम हमेशा फेयर वैल्यू किस दिन की देखते हैं, ग्रांट डेट की देखते हैं, जबकि कैश सेटल्ड कहता है, मतलब इंड एस 102 कहता है कि अगर तुमने कैश सेटल्ड ऑप्शन दिया है तो टेक्निकली यहां पर तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील कर लिया है, और क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो अब तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी हर ईयर एंड में चेंज हो रही है, हर ईयर एंड में चेंज हो रही है। तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट एवरी ईयर एंड। तो ध्यान रखना बेटा यहां पर फेयर वैल्यू हमेशा ग्रांट डेट की होगी, कभी चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। यहां पर हर साल आप लायबिलिटी जब बुक करोगे तो आप एट प्रेजेंट चेक करोगे कि उस टाइम पे लायबिलिटी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, ठीक है बेटा। ये मुझे आपको मेन बताना था। अच्छा सर जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, और ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यहां क्या करते थे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, यहां लायबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं वापस आता हूं, हम इसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझाना था, हम इसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्यों बोलते हैं। मान लो यहां मैंने एम्प्लॉय को एक एक्सरसाइज प्राइस दे दिया, लेट अस से 15 रुपए एक्सरसाइज प्राइस दे दिया। सर ये क्या है, मैंने बोला कि अगर मैं आज अगर मैं तेरे को शेयर बेचूं, थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, अगर मैं तेरे को कैश ऑप्शन ना दूं, अगर मैं तेरे को बोलूं कि नहीं तेरे को तो शेयर ही खरीदना, तेरे को तो शेयर ही मिलेगा, तो तेरे को शेयर फ्री फोकट में नहीं मिलेगा, तेरे को 15 रुपए शेयर के देने पड़ेंगे। तेरे को शेयर फ्री फोकट में नहीं मिलेगा, तेरे को 15 रुपए देने पड़ेंगे। आज शेयर की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए, तेरे को 15 रुपए देने पड़ेंगे भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 15 रुपए से डेबिट हो जाएगा। बट अब यहीं पर मैं बोल रहा हूं कैश ऑप्शन कि चल ठीक है, वहां पर जो भी मार्केट प्राइस रहेगी, और यहां पर मैंने तेरे को ऑप्शन दिया था 15 रुपीज, तेरे को शेयर खरीदना पड़ेगा 15, ये यहां पर भी एक्सरसाइज प्राइस कितना है 15, तो अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट इसलिए बोल रहे हैं कि 15 से ऊपर जितना भी एप्रिशिएट होगा वो तुम्हारा, तुम्हें हम कैश में दे देंगे, ना हम तुम्हें शेयर इशू करेंगे, ना तुम्हें हमें कुछ कैश देने की जरूरत पड़ेगी, हमें शेयर इशू नहीं करना है, हम शेयर कैपिटल नहीं चाहते, हम तो कैश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम कैश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, देखो कैश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, डेरिवेटिव की याद आ गई अपने को, नेट कैश सेटलमेंट, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है, तो वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा ये टेक्निकली एक ऑप्शन है बेटा, सोचो बात करते 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 समझ में आ गया, याद है अपन ने डेरिवेटिव ऑप्शन पढ़ा था, और डेरिवेटिव ऑप्शन क्या होता है, एक होता है होल्डर एक होता है राइटर, यहां पर कंपनी राइटर है और होल्डर कौन है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को क्या बोला जा रहा है, वहां पर होल्डर में क्या होता है, होल्डर प्रीमियम पे करता है बेचारा, और कंपनी उसको बोलती है कि ठीक है हम तुम्हें हमारी ऑब्लिगेशन है। तो अगर उसने कॉल ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन, तो अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो वो अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो यहां पर भी वही है कॉल ऑप्शन, एम्प्लॉय के पास टेक्निकली यहां पर कॉल ऑप्शन है, पर सर यहां पर एम्प्लॉय ने कोई प्रीमियम तो पे नहीं किया, नहीं बेटा यहां पर प्रीमियम उसने कैश के रूप में पे नहीं किया, उसने सर्विसेज के रूप में पे किया, इसीलिए हम वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करके दिखा रहे हैं, उसने सर्विसेज के रूप में किया। सर अगर एंड में वैल्यू मार्केट की 10 रुपए हो जाए तो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय ये ऑप्शन अवेल नहीं करेगा, वैसे ही उधर ऑप्शन होल्डर अवेल नहीं करेगा, तो सर जो आपने एक्सपेंस बुक किया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वो तो आपका एक्सपेंस हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको पूरा रिजर्व्स में डाल देंगे, सिंपल।
सो बेटा दिस एस ए आर इज एज गुड एज कॉल ऑप्शन, डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपको अकाउंटिंग समझा दी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, हर साल ऐसा एंट्री होगा, जब एंड में फाइनली डेट आ जाएगी पेमेंट करने की तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सिंपल सी अकाउंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें दोनों में फर्क क्या है, फेयर वैल्यू यहां पर ग्रांट डेट के लिए जाएगी और यहां पर बार 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 आप फेयर वैल्यू को चेंज करोगे, आप रीमेजर करोगे, आप सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करोगे अपनी लायबिलिटी को, रीमेजर करोगे बेस्ड ऑन न्यू फेयर वैल्यू, लायबिलिटी को एंड में पे कर दोगे अगर वो ऑप्शन अवेल करेगा तो। मुझे लगता है आपको मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। नाउ क्या करना है, आपको क्या करना है, अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। एक्स वाई जेड इशूड 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, मतलब वही स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स 10,000 दैट वेस्ट इमीडिएटली टू द एम्प्लॉइज ऑन 1st अप्रैल 2000। ओके, एक चीज बेटा मुझे ध्यान आ गई इसको क्वेश्चन को पढ़ के, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से बेटा, ये वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट वेस्ट का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। अगर लिखा है वेस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली दैट मींस एम्प्लॉई इमीडिएटली एलिजिबल है कि भाई तुम्हें तो कैश मिलेगा, एम्प्लॉई इमीडिएटली एलिजिबल है। अच्छा, अब इसका रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस ये है कि जनरली शेयर बेस्ड पेमेंट्स जो एम्प्लॉइज वाले होते हैं ना, एम्प्लॉइज वाले, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्विस कंडीशन होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, 4 साल तक काम करना पड़ेगा। सो लेट अस से इफ आई से कि देयर इज अ सर्विस कंडीशन ऑफ 3 इयर्स, सो और ये ग्रांट डेट है, ये ग्रांट डेट है बेटा, आप मतलब एम्प्लॉई तब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक वो सर्विस कंडीशन ना फुलफिल कर ले। मतलब यहां पर एलिजिबिलिटी आएगी, यहां पर बोला जाएगा ऑप्शन इज वेस्टेड, वेस्टेड। बट इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है कि ऑप्शन इज वेस्ट इमीडिएटली, दैट वेस्ट इमीडिएटली मतलब जिस दिन हमने अनाउंस किया उस दिन ही इमीडिएटली ऑप्शन वेस्ट हो गया। ओ माय गॉड, अब अगर ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो गया तो इसका मतलब मुझे उसी दिन एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जो भी आज की फेयर वैल्यू होगी। अगर यहां पर वेस्ट नहीं होता तो हम हर साल थोड़ा 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 एंट्री करते, अब क्योंकि वेस्ट यहां पर इमीडिएटली हो रहा है तो मैं यहां पर पूरी एंट्री पास करूंगा। चलो कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे मैं बताता हूं। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2000 में ऑप्शन वेस्ट हो चुका है, कितने 10,000, 10,000 ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं। द एसएआर विल बी सेटल्ड इन कैश, विल बी सेटल्ड इन कैश, ठीक है। और एट दैट डेट इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर इज 95। आपको पता होगा ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, एसएफएम में आपने शायद पढ़ा होगा, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल बेसिकली यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो यहां पर फेयर वैल्यू है 95, कितनी है 95। अब क्योंकि यहां पर वेस्ट हो चुका है तो मुझे यहीं पर एंट्री करनी चाहिए, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी सर कितना 95 × 10,000, मतलब 9,50,000। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा, सर हमने तो
जब आईपीसी में पढ़ा था तो हमें तो तीन पार्ट्स करने पड़ेंगे कि 3 साल है तो 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तब होता है जब वेस्ट इमीडिएटली नहीं होता। मैंने आपको भी मतलब समझाया ना, वेस्ट का मतलब होता है एलिजिबिलिटी होना, एलिजिबल होना। अगर एलिजिबिलिटी 3रे साल के एंड में आती तो हम हर साल थोड़ा 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 करके रिकॉर्ड करते, बट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया नहीं, एलिजिबिलिटी तो आज ही है। हाँ, बस पेमेंट करेंगे बाद में, तो हमने उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते। SAR कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम अप टू 31 मार्च 2003। 31 मार्च 2003 तक आप किसी भी वक्त SAR को एक्सरसाइज कर सकते हो, 31 मार्च 2003 तक कर सकते हो। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पर कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, नो सर्विस कंडीशन, क्योंकि अगर सर्विस कंडीशन होती तो ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट नहीं होता। अब बोला गया कि आप 2003 तक कभी भी आपको कैश चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद वो बोल रहा है SAR कैन बी एक्सरसाइज, ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड 31 मार्च 1, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 95% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब यहां पर टेक्निकली 31 मार्च 2001 को वो बोल रहा है एस्टिमेशन है कि 95% एम्प्लॉइज ऑप्शन अवेल करेंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ठीक नहीं है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ये ठीक नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है। सर क्यों यार, देखो SAR है, मतलब एम्प्लॉई को कैश चाहिए, और ऊपर से आपने ऑप्शन को इमीडिएटली वेस्ट करवा दिया, मतलब आप कोई कंडीशन भी नहीं चाहते हो, तो यार एम्प्लॉई इतना वेट क्यों करेगा। चलो वेट करेगा भी, चलो ठीक है वेट करेगा कि यार मुझे कैश आज नहीं चाहिए, मुझे जब जरूरत होगी मैं तब लूंगा, मैं अभी नहीं लेना चाह रहा, चलो ठीक है। बट आप ये कैसे कह सकते हो 31 मार्च को कि 95% ही लोग कैश लेंगे बाकी लोग नहीं लेंगे। अरे कैश है यार, कैश लेने के लिए क्या दिक्कत है, कैश तो फ्री में मिल रहा है ना, मतलब उसको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, यहां पर कोई कंडीशन थोड़ी है। सो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, पर क्या करें, मतलब आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर मान लो स्टार्टिंग में ही वेस्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। टेक्निकली यहां पर सर्विस कंडीशन अगर नहीं है तो यहां पर हम तो बोल ही नहीं सकते कि 95% एम्प्लॉइज एस्टीमेट लग रहा है कि 95% ही अवेल करेंगे, बाकी 5% बोलेंगे ना हमें नहीं कैश नहीं चाहिए, है ना, हम माफ कर रहे हैं तुम्हें कैश मत दो रहने दो, ऐसा होता है यार। ठीक है, सो ये फ्रेमिंग मुझे पर्सनली लगता है कि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, माइट बी आई मे बी रॉन्ग, बट जो मेरी नॉलेज है मुझे लगता है कि ये पर्सनली कि ये फ्रेम थोड़ा सा गलत किया गया है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, यहां पर 95% का लग रहा है तो 10,000 का 95% करेंगे तो ये जाएगा 9500। अब स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू तो 95 थी, अब यहां पर फेयर वैल्यू हो सकता है बदल गई हो, हमें तो चलो ठीक है टेक्निकल अकाउंटिंग पार्ट अगर देखें तो अब यहां पर फेयर वैल्यू होके 112 हो गई, फेयर वैल्यू 112 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं 112 के हिसाब से वैल्यू निकालूंगा, मैं 112 के हिसाब से वैल्यू निकालूंगा, 9500 × 112 तो ये जाएगा 10,64,000। ओहो, लायबिलिटी 10,64,000 हो गई, जबकि मैंने लायबिलिटी कितनी बुक की हुई है 9,50,000। तो पहली एंट्री तो मेरी 1 अप्रैल 2000 में थी, अब मैं जो सेकंड एंट्री करूंगा 31 मार्च 2001 में, मेरी लायबिलिटी 1064 तक जानी चाहिए, जबकि मैं ऑलरेडी लायबिलिटी 950 तक बुक कर चुका हूं, तो -950 तो मतलब मुझे 1,14,000 लायबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 1,14,000। अच्छा, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों डेट्स को देखो, ये एंट्री दोनों सेम ईयर में हुई है, तो इसका मतलब इस वाले ईयर में एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस कितना बुक हुआ, 1064। अलग अलग क्वार्टर्स को अगर देखें तो ठीक है, बट टोटल क्वार्टर्स को मिला के देखें तो 1064 बुक हुआ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ईयर, 31 मार्च 2002। यहां पर क्या लगता है भाई उनको, 92% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर 92% बोल रहे ना, हाँ 92%, तो ये कैसे आएगा, 10,000 × 92% मतलब 9200 ×
वैल्यू कितनी हो गई 109। ओ माय गॉड वैल्यू कम हो गई, तो 9200 इंटू 109 तो 100280। मतलब अब लायबिलिटी मेरी 100280 होनी चाहिए। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी ज्यादा है बेटा 1064, लायबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री करूंगा 31 मार्च 2002 को शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल, मतलब पीएनएल में इस बार रिवर्सल होगा। टेक्निकली सिंपल है बेटा, इसमें कोई कुछ टेक्निकल पॉइंट नहीं है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ाओ, घटेगी तो घटाओ, क्योंकि इंडेस खुद ही बोल रहा है कि आपको सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट से चुप नहीं रहना, वो तो इक्विटी सेटल में था, कैश सेटल में आपको बार 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 लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा। आप ये समझो कि यहां पर FVTPL हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FVTPL। जब जब आपको अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो भी उसमें बदलाव आएगा वो सब पीएनएल में डालोगे। तो ये टेक्निकली शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर FVTPL बोल सकते हो आप इसको, FVTPL। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में वापस से 114 से बढ़ गई, तो ठीक है 89% का आप 114 निकाल लेना, तो 8900 इंटू 114 तो वापस कितना हो गया 101,4600। तो 101,4600 के लिए वापस से बढ़ाना पड़ेगा पुरानी लायबिलिटी जो भी थी 11,800 से बढ़ाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब लास्ट में क्या एंट्री होगी, लास्ट में एंट्री होगी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक, कितना 600। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी बेटा। मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 950 की एंट्री पास कर दी, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है क्वेश्चन। सिर्फ यहां पर इसलिए पास किया क्योंकि लिखा हुआ है वेस्ट इमीडिएटली, अगर वेस्ट इमीडिएटली नहीं लिखा होता तो यहां पर एंट्री पास फर्स्ट डेट में तो कुछ होती नहीं है। लास्ट में हम देखते हैं कि कितनी लायबिलिटी बन रही है, 1064 डिवाइड बाय 3 कर लेते, उस हिसाब से हम बुक करते, फिर हम चेंज करते जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। चलिए अब जितना भी हमने पढ़ा है मतलब अभी जितना भी जो भी अपना सेशन चल रहा है उसमें आपने शुरू से लेकर जितनी भी बातें पढ़ी है, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है और गुड्स में क्या, सर्विस में क्या, इक्विटी सेटल में क्या वगैरह वगैरह, सारी एंट्रीज वगैरह, लॉजिक्स वगैरह, फेयर वैल्यूएशन वगैरह जो भी पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जल्दी एक बार गो थ्रू कर लीजिए।
हाँ जी गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समझिए कि अब हम अपने बेसिक्स को क्रॉस कर चुके हैं। यहां तक बेसिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सम डिफरेंट थिंग्स। सो मैं पहले चार्ट बनवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, और चार्ट बनाते बनाते आपको समझाऊंगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स इंप्लॉइज की ही बात कर रहा हूं, जी ठीक। उसमें मैंने आपको बोला कि इक्विटी सेटल्ड जो होते हैं, वहां शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व शो होता है। अच्छा, और हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ही देखेंगे ऑन ग्रांट डेट की। सर ये आप बार बार क्यों लिखवा रहे हो, लिखवा तो चुके हो। मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ एक रिवीजन के लिए। फिर मैंने बोला कि कैश सेटल्ड होगा तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी बनेगी टेक्निकली, और ये जो लायबिलिटी होगी ये होगी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, और इसको सबसेक्वेंटली रीमेजर करेंगे थ्रू पीएनएल, एफवीटीपीएल टाइप से, जस्ट लाइक एफवीटीपीएल। हा, अब आता हूं मैं तीसरे चीज पर जो मैंने आपको बोला था कि मैं थर्ड वाले आइटम पे आराम से बात करूंगा। अब आ चुका है टाइम थर्ड वाले पॉइंट पर बात करने का, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस विथ कैश ऑल्टरनेटिव, यहां मतलब यह है कि तुम्हें शेयर भी मिल सकता है या तुम्हें कैश भी मिल सकता है, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, और ना सिर्फ तुम्हें, सारे इंप्लॉइज को, ऐसा नहीं कि एक ही इंप्लॉय को, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, इसको फैंटम ईसॉप भी कहते हैं, फैंटम, हो सकता है कभी वर्ड यूज हो क्वेश्चन में तो समझ जाएगा कि वो कैश ऑल्टरनेटिव वाली चीज है। मतलब आपको इक्विटी शेयर चाहिए तो इक्विटी शेयर ले लो, कैश मना कर दो, कैश चाहिए तो कैश ले लो, इक्विटी शेयर मना कर दो। अब इसकी अकाउंटिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा, बट आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं, और हमें बहुत मजा आने वाला है अब इस चीज को समझने में, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, ठीक है। सो एंड आई एम सीरियसली एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बस कुछ ही क्लासेस पहले ही कंप्लीट किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारे चीजें याद होंगी डेफिनेटली। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस विथ कैश ऑल्टरनेटिव, जिसको हम फैंटम ईसॉप बोल रहे हैं। बेटा इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ऑप्शन एग्जिस्ट विद काउंटर पार्टी। सर ये काउंटर पार्टी कौन है? इंप्लॉई। काउंटर पार्टी मतलब सामने वाले पार्टी को हमने ऑप्शन दिया है, तेरी मर्जी, जो तेरे को चाहिए तू बोल, तुम्हें शेयर चाहिए रहेगा तुम शेयर ले लेना, तुम्हें शेयर नहीं चाहिए, बाबू को शेयर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कैश चाहिए कैश ले लो बाबू, ठीक है, ऐसा वाला है। आपको जो चाहिए आप वो बोलो, आपको कैश चाहिए कैश ले लो, आपको शेयर चाहिए आप शेयर ले लो।
अब इसको कोरिलेट करो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में जब फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट और एक नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। याद आ रहा है? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे डिबेंचर्स इश्यू कर रही है कंपनी, ऐसे बॉन्ड्स इश्यू कर रही है कंपनी जिसको कंपनी जब रिडीम करेगी तो वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं, मतलब वो रिडीमेबल होंगे और वो कन्वर्टेबल होंगे। कन्वर्टेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, मतलब होल्डर चाहे तो उसको कैश चाहिए, अगर वो कैश चाहता है तो कंपनी को कैश देना पड़ेगा, और अगर वो इक्विटी शेयर चाहता है तो कंपनी को इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। याद आ रहा है? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वो अब हम यहां लगाने वाले हैं। यहां पर डिबेंचर होल्डर नहीं है, यहां पर हमारा इंप्लॉई है, काउंटर पार्टी इंप्लॉई है। यहां पर भी हमने इंप्लॉई को क्या दिया है? शेयर ऑप्शन दिया है। वो शेयर ऑप्शन क्या है? वो शेयर ऑप्शन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि अब उसके ऊपर हो गया है, एंटिटी की नहीं चलेगी। हो सकता है उसने कैश बोला तो हमें कैश रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और अगर उसको वो इक्विटी भी चाह सकता है, वो इक्विटी भी मांग सकता है, और यार इसका मतलब मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो इट इज जस्ट लाइक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे बताओ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते थे? सर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम फाइनेंशियल लायबिलिटी पहले निकाल लेते थे कि कितना कैश ऑब्लिगेशन है, उस कैश ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम आज के दिन में लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल लेते थे, और इनिशियल प्रोसीड्स अगर ज्यादा होता था तो बाकी का पोर्शन हम इक्विटी रख देते थे। याद है? याद है ना? इनिशियल मतलब प्रोसीड्स माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। इसका मतलब हम सर इक्विटी को बैलेंसिंग फिगर मानते थे। अब यहां पर बताइए, यहां इस केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी और इक्विटी पोर्शन मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और सेम ट्रीटमेंट आपका वैसा ही होगा। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर अगर कुछ है, अगर उसके ऊपर कुछ है तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जाएगा, रिजर्व में जाएगा। कैसे जाएगा वो छोड़ दो, वो जोड़ दो, कैसे जाएगा वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 करना है अपने को, ठीक है? मतलब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की तरह होगा। अच्छा, सबसे लास्ट में क्या होता था फिर? जब फाइनली टर्म पूरा कंप्लीट हो जाता था तो जो होल्डर होता था वो बोलता था कि मुझे कैश चाहिए, तो कैश के बराबर की फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी बन चुकी होती थी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे, और जो इक्विटी का पोर्शन हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ था वो जनरल रिजर्व में डाल के खत्म कर देते थे। ऐसा होता था। और अगर मान लो होल्डर बोलते थे कि नहीं हमें तो शेयर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो शेयर चाहिए, तो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी वाले पोर्शन को निकाल के पूरा इक्विटी में डाल देते थे और एंट्री करते थे इक्विटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। होता था ऐसा? मैं फिर से बोलूं, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में इनिशियली हम फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग रिकॉग्नाइज करते थे और इक्विटी पोर्शन बैलेंसिंग फिगर रिकॉग्नाइज करते थे। यहां कैसे बैलेंसिंग निकलेगा मैं बताऊंगा, बट होगा वैसा ही। फिर चलते रहे, जब फाइनली टर्म खत्म होता था तो चॉइस आपकी है, होल्डर की है, काउंटर पार्टी की है, तो काउंटर पार्टी अगर बोलेगी, मतलब डिबेंचर होल्डर बोलेगा कि मुझे कैश चाहिए, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कैश के बराबर तो रिकॉर्ड हो चुकी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधर से जो इक्विटी था उसको जनरल रिजर्व में डाल दो। अब वो बोलते थे नहीं 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 मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, तो जो लायबिलिटी वाला इतना खड़ा बड़ा बड़ा पोर्शन है उस लायबिलिटी को हटा के इक्विटी में डाल देंगे, क्योंकि अब लायबिलिटी हमें सेटल करना ही नहीं है, तो वो इक्विटी में चली गई और वहां से हम एंट्री करते थे इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपको चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील कर चुके हैं। सेम टू सेम यहां होगा। इनिशियली दो पार्ट्स निकलेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। इनिशियल रिकॉग्निशन, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी एंड शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, सॉरी। ओके, सो इनिशियल रिकॉग्निशन ऐसा होता था,
फिर अभी उसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, मैं आराम से लिखवा रहा हूं वहां पे कि बाद में एंड में क्या क्या होता था, ठीक है, वो मैं स्टेप्स वाइज लिखवाऊंगा। दूसरी चीज और क्या हो सकता है, ऑप्शन एग्जिस्ट विथ एंटिटी ओनली। ओहो, ऑप्शन एग्जिस्ट विथ एंटिटी ओनली। अब ऑप्शन एंटिटी ने अपने पास रखा है, ऑप्शन एंटिटी ने अपने पास रखा है, अपने पास रखा है मतलब अब एंटिटी बोल रही है कि नहीं अब हमारी मर्जी चलेगी, एंटिटी बोल रही है अब हमारी मर्जी चलेगी, अगर बाद में देखेंगे, मतलब पूरा टर्म कंप्लीट होने दो, हम देखते हैं कि कैश भी दे सकते हैं और शेयर्स भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। बेटा मर्जी तो ठीक है, पर अब एंटिटी उस मर्जी को अवेल करते टाइम पे थोड़ी अकाउंटिंग करेगी, अकाउंटिंग तो एंटिटी को शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसे केस में इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। नहीं, हम यहां पर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट ट्रीट नहीं करेंगे। इंडिया 102 बोलता है अगर ऑप्शन एंटिटी के पास है कि वो शेयर इश्यू करेगी या फिर वो कैश देगी, तो भैया एंटिटी शुरू में डिसाइड कर ले, शुरू में एस्टिमेट कर लो कि तुम क्या करोगे। एंटिटी हैज टू एस्टिमेट इनिशियली अबाउट विच ऑप्शन इट वुड एक्सरसाइज, विच ऑप्शन इट वुड एक्सरसाइज। इफ इट इज रीजनेबली रीजनेबली एस्टिमेटेड दैट इक्विटी ऑप्शन विल बी टेकन। अगर शुरू में ही एंटिटी एस्टिमेट कर रही है इनिशियली, जिस दिन ग्रांट डेट, मतलब देखो ग्रांट डेट को ना एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया गया, एम्प्लॉय चला गया घर, अब एम्प्लॉय अपने अपना काम कर रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एंटिटी सोच रही है, एंटिटी अब मैनेजमेंट के ऊपर काम आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है अपने बॉस लोगों से, मैनेजमेंट लोगों से, सर ऑप्शन तो दे दिया एम्प्लॉयज को और ऊपर से आपने अपने ऊपर रखा है, सर क्या लगता है क्या करें, मतलब आपको क्या लगता है सर मुझे बताओ तो मैं उस हिसाब से अकाउंटिंग समझू। सर इंडेस 102 मैंने पढ़ के रखा है, अब मैं आपको बताता हूँ, इंडेस 102 बोलता है कि सर एंटिटी के पास ऑप्शन है तो एंटिटी को शुरू में ही एस्टिमेट करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है सर क्या करोगे, 5 साल बाद का करोगे ना, 5 साल मतलब मान लो 5 साल का वेस्टिंग कंडीशन है, 5 साल बाद आप क्या करोगे, आप अभी बता दो सर, अभी एस्टिमेट कर दो। तो बॉस बोल रहा है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे टाइप के जो भी हमने आज तक ऑप्शन दिए हैं ना, हमने हमेशा इक्विटी में ही सेटल किए, हमने हमेशा कैसे सेटल किए, इक्विटी में ही सेटल किए, हमने कैश में सेटल नहीं किए बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना, जनरली ऐसे ऑप्शन हमने इक्विटी में सेटल किए। तो अकाउंटेंट बोल रहा है, अकाउंटेंट भी कोई ऐसा वैसा अकाउंटेंट नहीं है, बहुत बड़ा अकाउंटेंट है, ना CFO टाइप का व्यक्ति है, वो बोल रहा है चलो ठीक है। इंडियस 102 बोलता है कि अगर आपको शुरू में ही पता है या शुरू में आप रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो कि आप तो इक्विटी में सेटल करोगे, आप तो इक्विटी में सेटल करोगे, तो मैं पूरा का पूरा इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन मानूंगा, मैं उसको कैश सेटल्ड ऑप्शन ना मान के मैं सिर्फ शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट करूंगा। Treat entire option as equity settled. Oh my God. अच्छा, and recognize share based payment reserve only. Okay. Clear? अभी बचा एक point. If it is reasonably estimated that equity option will be taken. अच्छा जी, if it is reasonably estimated that cash option will be exercised. Since
एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये टर्म सर सुना सुना लग रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बेटा इंड एज 37 जो हम ऑलरेडी पल्स पढ़ चुके हैं, इंड एज 37 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट्स, वो बोलता है कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अब ये बोल रहा है कि यार हमें रीजनेबली लग रहा है, मैं फिर से पढ़ लेता हूं, इफ इट इज रीजनेबली एस्टिमेटेड दैट कैश ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड सिंस एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंटिटी के पास ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो सेम ट्रीट इंटायर ऑप्शन एज एज कैश सेटल्ड ओनली, मतलब प्योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, यहां पर प्योर इक्विटी, यहां पर प्योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्रिएट, या क्रिएट वर्ड ठीक नहीं है, एंड रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी एंड रीमेजर शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी एज पर फेयर वैल्यू एवरी ईयर। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इक्विटी सेटल हमेशा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, कैश सेटल हमेशा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर सबसे पहले ग्रांट डेट में इनिशियली, फिर बार बार उसको रीमेजर करते रहो, रीमेजर करते रहो थ्रू पीएनएल, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, अब आपने ऑप्शन दे दिया कि हम मतलब अब दो ऑप्शन है, इक्विटी भी हो सकता है कैश भी हो सकता है, तो हमने सबसे पहले ये चेक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, फैंटम, फैंटम ईसॉप, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन किसके दिया गया है, ये काउंटर पार्टी के पास ऑप्शन है चूज करने का, कि ये एंटिटी के पास ऑप्शन है चूज करने का कि कौन सा ऑप्शन हम फाइनली सेटल करेंगे, इक्विटी वाला कि कैश वाला। तो सबसे पहले हमने देखा कि काउंटर पार्टी के पास है, इसका मतलब पूरी दारोमदार काउंटर पार्टी के पास, मतलब एम्प्लॉय के पास है, एंटिटी के हाथ में कुछ भी नहीं है, एंटिटी के हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में आप कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मानोगे, 109 के हिसाब से आप कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मानोगे, अकाउंटिंग यही बताएगा, 109 के हिसाब से कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मानोगे, करोगे ट्रीटमेंट वैसा का वैसा ही। वहां पर क्या बोलते थे, वहां पर हम इनिशियल प्रोसीड्स के दो हिस्से करते थे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी, यहां पर भी हम यही करेंगे, इनिशियली हम निकालेंगे कि इक्विटी पोर्शन फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है और बाकी बैलेंसिंग फिगर अपन उसको इक्विटी मान लेंगे, बैलेंसिंग फिगर अपन इक्विटी मान लेंगे, ठीक है। ये इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, मतलब दोनों चीजें क्रिएट होगी, एंड में जाके हम चेक करें, मतलब एंड में जाके देखा जाएगा कि ऑप्शन क्या चूज किया जा रहा है। अगर काउंटर पार्टी को कैश चाहिए तो कैश के बराबर का लाइबिलिटी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, जो इक्विटी एक्स्ट्रा क्रिएट किया था उसको कुछ भी नहीं, सत्यानाश जर्नलिज्म में डाल दो। और अगर उसने बोला कि नहीं मुझे तो इक्विटी चाहिए, मुझे तो इक्विटी चाहिए, तो आज तक हमने जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट की है सत्यानाश उसको रिवर्स करके इक्विटी में डाल दो। क्या एंट्री करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, और एंड में एंट्री करेंगे जब शेयर देंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भैया नहीं, ऑप्शन चूज करने का ये एंटिटी अपने पास रखे हुए है, काउंटर पार्टी की नहीं चलेगी, इंप्लॉइज की नहीं चलेगी, यहां पर एंटिटी चूज करेगी कि उसको क्या देना है, तो यहां पर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा, इनिशियली ही डिसाइड किया जाएगा कि हम इसको या तो इक्विटी सेटल माने या तो हम इसको कैश सेटल माने। सर कैसे डिसाइड होगा, मैनेजमेंट को एस्टीमेट करना पड़ेगा बेटा। मैनेजमेंट सर एस्टीमेट कैसे करेगा, मैनेजमेंट एस्टीमेट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के कर सकता है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लगती है कैश देने की तो वो लाइबिलिटी मानेगा, कैश सेटल ऑप्शन मानेगा, और अगर उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं लगता है, पास्ट में उसको एक्सपीरियंस है कि उसने ऐसे ऑप्शन जब भी इशू किए उसमें उन्होंने इक्विटी में ही सेटल किए, तो वो इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शन मानते हुए बस शेयर बेस पेमेंट रिजर्व बनाएगा और यहां पर बस शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी बनाएगा। सर मन में एक डाउट आ रहा है, यस मैं समझ गया आपके मन में कौन सा डाउट आ रहा है, और वह बिल्कुल बेसिक डाउट है, बिल्कुल सही डाउट है। सर यहां तो आपने बता दिया कि एंड में काउंटर पार्टी ने अपना डिसीजन क्या लिया, सर यहां तो बताओ कि अगर एंटिटी ने बाद में जाके अपना डिसीजन चेंज कर दिया, तो शुरू में उसने बोला था कि हम तो इक्विटी देंगे, शुरू में उसने बोला था कि हम तो इक्विटी देंगे बट वो कैश दे बैठी, सर क्या करोगे। मैं लिखवाने वाला हूं, मेरे नोटबुक में सब कुछ लिखा हुआ है,
बट अभी आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, फिर जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो फिर प्रॉपरली हम समझेंगे उसको। सर, शुरू में एंटिटी ने इक्विटी ऑप्शन मानते हुए अकाउंटिंग कर ली, करते गए, एंड में सरकमस्टांसेस चेंज हो गए, अब एंटिटी को लग रहा है नहीं हम तो कैश देंगे, वी आर प्रोवाइडिंग कैश, हमारे पास बहुत हैवी कैश रखा है, हम अपना शेयर इशू नहीं करना चाहते, सर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपको इक्विटी सेटल्ड आपको मानना था, आपने इक्विटी सेटल्ड के हिसाब से क्या किया, बना लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लायबिलिटी देनी है, तो चेक करो कि जो आपने इक्विटी क्रिएट किया था लायबिलिटी उससे ज्यादा है कि उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल का ये वेस्टिंग कंडीशन था, फर्स्ट ईयर इक्विटी माना, सेकंड ईयर इक्विटी माना, थर्ड ईयर इक्विटी माना, 15 लाख रुपए का इक्विटी मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट हो चुका है, 15 लाख का इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है, 15 लाख का शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट हो चुका है। फाइनली एंटिटी इज डिसाइडिंग कि नहीं, वी आर गिविंग कैश, वी आर प्रोवाइडिंग कैश, ओ माय गॉड कैश दे रहे हैं, अब कैश दिखना पड़ेगा कि कितना देना पड़ेगा कैश, तो देखा तो कैश दे रहे हैं हम 16 लाख रुपए, कितने 16 लाख रुपीज, शेयर इशू किए तो 15 लाख के हिसाब से हो जाएगा, अब इक्विटी दे रहे हैं तो 16 लाख में निपटारा करना पड़ेगा, ओ माय गॉड इक्विटी दे रहे हैं, लायबिलिटी दे रहे हैं 16 लाख में निपटारा करना पड़ेगा, सर क्या करें? जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है उसको पीएनएल के थ्रू बुक करेंगे एक्सपेंस, क्योंकि आज तक आपने 15 लाख का जो इक्विटी क्रिएट किया है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसको भी हर साल आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डेबिट करके पीएनएल में ले गए होंगे, इसका मतलब आज तक आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको करना चाहिए था पर आप नहीं कर पाए, तो जो एडिशनल 1 लाख आ रहा है, उस एडिशनल 1 लाख को आप, क्या करोगे? पीएनएल के थ्रू क्रिएट करोगे। सर उल्टा केस, अगर लायबिलिटी आपकी कम आ रही है, जैसे आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट किया 15 लाख, आपको पे करना है 12 लाख, बहुत अच्छी बात है, आपको पे करना है 12 लाख ना, 12 लाख पे कर दो, बाकी 3 लाख को इक्विटी में रह के जनरल रिजर्व में डाल दो, पीएनएल से रिवर्स नहीं करेंगे। 15 लाख का शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, एंट्री करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 15 लाख टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 12 लाख टू जनरल रिजर्व 3 लाख, जो एक्स्ट्रा इक्विटी में बच गया उसको पीएनएल में वापस डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर? ये तो आपने बताया इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन पहले चल रहा था, बाद में हम कैश पे आ गए, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो पीएनएल के थ्रू बढ़ाएंगे, लायबिलिटी अगर घटेगी तो कोई दिक्कत नहीं, रिमेनिंग को डाल देंगे रिजर्व से सरप्लस में, जनरल रिजर्व में। सर ये क्या होगा? सर इसका क्या होगा? कैश सेटल्ड का क्या होगा? सर कैश सेटल्ड का क्या होगा? सर बताओ कैश सेटल्ड का क्या होगा? सर सर कैश सेटल्ड में मतलब क्या होगा? मतलब इनिशियली एंटिटी ने फर्स्ट ईयर कैश सेटल्ड मानते हुए शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी मानी, फिर सेकंड ईयर शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, फिर थर्ड ईयर शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, अभी तक शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 15 लाख की क्रिएट हो चुकी है, 15 लाख की क्रिएट हो चुकी है, 15 लाख की शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। सेम आप इक्विटी दे रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, अब आप इक्विटी दे रहे हो तो लायबिलिटी को डेबिट कर दो। आप ये देखो कि आप इक्विटी कितने का दे रहे हो। सर हम इक्विटी ज्यादा का दे रहे हैं। ओहो, मतलब लायबिलिटी आपको ज्यादा क्रिएट करनी चाहिए थी। आपने 15 लाख की लायबिलिटी क्रिएट की, अब आप इक्विटी दे रहे हो और इक्विटी दे रहे हो 17 लाख का, 17 लाख के इक्विटी शेयर दे रहे हो। सो 2 लाख रुपए एडिशनली प्रॉफिट एंड लॉस से बनाओ, 2 लाख रुपए एडिशनली प्रॉफिट एंड लॉस से बनाओ, लायबिलिटी है ना बेटा, लायबिलिटी को बढ़ा के फिर आप इक्विटी में डाल दो। मतलब आप कि 15 लाख की लायबिलिटी है, 17 लाख का होना चाहिए था, 2 लाख एडिशनली क्रिएट कर लो पीएनएल के थ्रू, ठीक है? अच्छा सर लायबिलिटी 15 लाख की है बट इक्विटी सेटल हो रहा है 14 लाख में, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 लाख रुपए ज्यादा बना लिया ना, पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं, इक्विटी में डाल दो, पड़ा रहे रिजर्व एंड सरप्लस में ले लो। आई बात समझ में? सर दोनों केसेस में हमें कुछ कॉमन लगा, क्या? सर जब ज्यादा बनाने की बात आ रही है तो आप पीएनएल के थ्रू बना रहे हो, हाँ, और जब रिवर्स करने की बात आ रही है तो आप पीएनएल से रिवर्स नहीं कर रहे हो, हाँ। सर ऐसा क्यों? थोड़ा सा वेट करो, समझ में आएगा। हम जब वेस्टिंग कंडीशंस की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझो कि एक बार आपकी सर्विस कंडीशन फुलफिल हो चुकी है उसके बाद आप रिवर्सल कभी भी पीएनएल के थ्रू नहीं करते हो। अरे यार, एक बार जब आपकी पूरी टर्म खत्म हो जाए,
एलिजिबिलिटी निकल आए, ऑप्शन वेस्ट हो जाए, तो आप रिवर्सल पीएनएल के थ्रू नहीं करोगे, ठीक है। पर अगर आपको लायबिलिटी एडिशनल क्रिएट करनी है इधर, तो आप पीएनएल के थ्रू करोगे। आपकी लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी तो आप इक्विटी में डाल दोगे। मेरे को लगता है आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। सो गाइस, आपको बात तो समझ में आ गई होगी, बट जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा तब तक आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने के लिए एक इसका होना चाहिए क्वेश्चन, एक इसका होना चाहिए और एक इसका होना चाहिए। तीन क्वेश्चन बनते हैं बॉस, तीन क्वेश्चन बनते हैं, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ऊपर से मैंने अभी आपको ये वाला पोर्शन तो मतलब थ्योरेटिकली बता दिया कि हम इसके दो पार्ट्स करेंगे, दो पार्ट्स कैसे करेंगे वो नहीं समझ में आया, दो पार्ट्स कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आया, वो समझना भी नहीं है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। हमारी नोटबुक में लिखा सब कुछ है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। फिलहाल बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, ये सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं, अगले सेशन में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है, चलिए।